सम्माननीय माताओं बहनों, मंच पर उपस्थित हमारे भारत स्वाभिमान की सहयोगी प्रांत प्रभारी डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा, प्रांत प्रभारी श्री विवेक भाई, सह प्रांत प्रभारी श्री दीपेंद्र भाई, राजगढ़ के भारत स्वाभिमान के संयोजक संरक्षक श्री बी के गुप्ता जी, अन्य सभी पदाधिकारी, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबने मिलकर ये व्यवस्था की है, मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिला है। पिछले लगभग 6 महीनों से इस भारत देश में एक अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है भारत स्वाभिमान। इस अभियान को हमारे देश के परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया है, वो स्वयं इस अभियान के अध्यक्ष हैं। आचार्य श्री बालकृष्ण जी इस अभियान के महामंत्री हैं और परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे इस अभियान के राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दिया हुआ है। हमारे इस अभियान में 31 राज्यों के प्रांत प्रभारी हैं, राज्य प्रभारी हैं, फिर 680 जिलों के जिला प्रभारी हैं, उनके साथ मंडल प्रभारी हैं। संपूर्ण भारत देश के करीब 2,40,000 योग शिक्षक इस अभियान में अपना तन मन धन सब लगा रहे हैं। जनवरी 2010 तक इस अभियान में लगभग 11,00,000 योग शिक्षक शामिल होंगे, ऐसा प्रयास चल रहा है। और इस प्रयास में आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 6 महीनों से परम पूजनीय स्वामी जी सिर्फ हरिद्वार में रहकर 5-6 दिन के शिविर कर रहे हैं, एक एक राज्य के। आंध्र प्रदेश का शिविर अभी होके चुका, उड़ीसा का शिविर होके चुका, छत्तीसगढ़ झारखंड का होकर चुका है, पंजाब हरियाणा दिल्ली का शिविर हो गया है, थोड़े दिन में मध्य प्रदेश का शिविर होने वाला है, अन्य सभी 31 राज्यों के शिविर होने वाले हैं। तो शिविरों के माध्यम से अगले साल जनवरी तक लगातार 11,00,000 योग शिक्षकों को तैयार किया जाएगा, इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। और 2 साल में हमारी ऐसी कोशिश है कि संपूर्ण भारत देश के लगभग 5 करोड़ लोग इस अभियान के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे, इसके लिए हम पूरी मेहनत करना चाहते हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये इतना बड़ा अभियान और इस संगठन को क्यों बनाया, क्योंकि ये वर्तमान भारत में आज़ादी के बाद का शायद सबसे बड़ा संगठन होगा जिसमें 5 करोड़ कार्यकर्ता तन मन धन से समर्पित हों। इतने बड़े संगठन की ज़रूरत क्या है, क्यों आवश्यकता है भारत स्वाभिमान की? आप तो सभी जानते हैं कि परम पूजनीय स्वामी जी तो योग और प्राणायाम के माध्यम से भारत और दुनिया के लोगों को निरोगी बनाने के काम में लगे हुए थे, फिर उन्होंने ये भारत स्वाभिमान का काम क्यों शुरू किया, क्या ज़रूरत थी? ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने की कोशिश मैं इस व्याख्यान के माध्यम से करूंगा। मैं मेरी बात शुरू करना चाहता हूं, अपने भारत देश को आज़ाद हुए करीब 62 साल हो गए, 63वां साल शुरू हो गया। आज़ादी के पिछले 62 वर्षों में हमारे देश के सामने कई ऐसे गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं जिनका समाधान करना बहुत आवश्यक है। अगर हमने उनका समाधान नहीं किया तो इस देश के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने की संभावना है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं दोबारा से हमारा देश विदेशी ताकतों का गुलाम ना हो जाए, फिर से विदेशी ताकतें हमारे देश पर कब्जा ना कर लें, ऐसा भी मन में हमारे आता रहता है। कारण बहुत स्पष्ट है, वर्तमान परिस्थिति जो इस देश की है अच्छी नहीं है। आज़ादी के 62 साल में जो इस देश में होना चाहिए था कुछ हो नहीं पाया,
जिसका सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा, हमारे शहीदों ने देश की आज़ादी लाने के लिए जो स्वप्न देखा, जो आदर्श उनके मन में था, उन आदर्शों के लिए, उन स्वप्नों के लिए इस देश में कुछ हो नहीं पाया। हमारे क्रांतिकारियों के आदर्श और सपनों की बात करें तो सभी क्रांतिकारी एक तरफ से, वो हिंसावादी हों या अहिंसावादी हों, वो ये चाहते थे कि आज़ाद होने के बाद भारत में स्वतंत्रता आए। अब ये आज़ाद होने के बाद स्वतंत्रता आए, इसका मतलब आज़ाद होने के बाद भारत में अपना तंत्र बने, स्वतंत्र बने, हमारी व्यवस्था बने, हमारा सिस्टम बने। अंग्रेजों की जो व्यवस्था है, अंग्रेजों का जो सिस्टम है, वो भारत देश से हटाया जाए और इस देश में स्वतंत्रता लाई जाए। महात्मा गांधी से जब ये पूछा गया सन 1946 में, जब अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी थी कि हम भारत को छोड़ देंगे, आप जानते हैं 3 जुलाई 1946 को ये घोषणा हो गई थी कि अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, और उसके बाद अंग्रेजों के साथ भारत सरकार, माने अंतरिम भारत सरकार जो बनी, उनकी बातचीत शुरू हो गई थी कि सत्ता का हस्तांतरण किस दिन किया जाए। उस बातचीत में 15 अगस्त तय हुआ था 1947 में। 17 सितंबर 1946 को महात्मा गांधी से ब्रिटेन की कुछ अखबार के संवाददाताओं ने बातचीत की थी दिल्ली आकर, और वो गांधी जी से पूछते थे कि आज़ादी के बाद के भारत के बारे में आपकी क्या कल्पना है। तो महात्मा गांधी ने बहुत स्पष्ट एक उत्तर दिया था जिसको अखबार वालों ने खूब प्रमुखता से प्रकाशित किया था। गांधी जी ने कहा कि अगर हमारे देश की आज़ादी के बाद भी अंग्रेज चाहें तो भारत में रह सकते हैं, लेकिन हमारे मेहमान बनकर। हम अंग्रेजों को अपने भारत देश में मेहमान बनाकर रख सकते हैं, वो चाहें तो इस देश में रहें, इस देश की आबो हवा अगर उन्हें पसंद है, इस देश की जलवायु अगर उन्हें पसंद है, इस देश में रहना उन्हें अच्छा लगता है, तो हम चाहेंगे कि वो मेहमान बनकर रहें, हमारे गेस्ट बनकर रहें। लेकिन अंग्रेजों की बनाई गई जो व्यवस्था है और अंग्रेजों की बनाई गई जो नीतियां हैं, अंग्रेजों के बनाए गए जो कानून हैं, अंग्रेजों का बनाया गया जो तंत्र है, अंग्रेजों की जो भाषा है, इसको हम एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में सारी दुनिया ये जानती है और कहती है कि वो कड़े शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना बोलने की हिंसा है, इसलिए बहुत सरल सौम्य शब्दों में बात कहते थे। लेकिन उस दिन गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेजों की न्याय पद्धति, अंग्रेजों की प्रशासन पद्धति, अंग्रेजों की शासन पद्धति, अंग्रेजों की भाषा भूषा, अंग्रेजों का भोजन, ये हम एक मिनट भी भारत में चले इसे बर्दाश्त नहीं करें। अतः आज़ादी के बाद के भारत के बारे में हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है। गांधी जी ने कहा हम भारत को स्वदेशी के रास्ते पर लेके जाएंगे, हम भारत को स्वावलंबी देश बनाएंगे, हम भारत में सच्चा स्वराज्य लाने के लिए प्रयास करेंगे, ये गांधी जी ने स्पष्ट कहा। अगले ही दिन सारे इंग्लैंड के अखबारों में प्रमुखता से ये सब छपा और भारत में भी छपा। मेरे पास उस समय के समाचार पत्रों की कुछ कतरने हैं, कटिंग हैं, जो संभाल के रखे हुए हैं। ये एक बात हुई। एक और जानकारी देता हूँ, महात्मा गांधी से थोड़े समय पहले हमारे देश के एक अमर शहीद भगत सिंह, उन्होंने एक लंबा आलेख लिखा था जिसको वो अपना घोषणा पत्र कहा करते थे। आप जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्रनाथ लाहड़ी, मन्मथनाथ गुप्त, ये सब जो क्रांतिकारी थे, इनका एक समूह था और इन्होंने एक समूह बना के उसका नाम रखा हुआ था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक संगठन बनाया था।
ये संगठन बना था सन 1924 में, वाराणसी में बना था, और इस संगठन की बार बार कई सभाएं हुई थी। उस सभा में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया था। चंद्रशेखर आजाद इस संगठन के महासचिव थे। मन्मथनाथ गुप्त इस संगठन के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। आशफाक उल्लाह को इस संगठन का प्रचार प्रसार का दायित्व दिया गया था। ऐसे अलग अलग जिम्मेदारी लेकर यह संगठन बना 1924 में, और इस संगठन का ये कहना था कि अंग्रेज हिंदुस्तान से अपने आप नहीं जाएंगे, इनको मार के भगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके मुंह में भारत की लूट का खून लग गया है, इसलिए ये आसानी से भारत को नहीं छोड़ेंगे, इनसे भारत को छुड़ाना पड़ेगा और शायद उसके लिए हिंसा करनी पड़ेगी। महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश की आजादी की बात करते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी हिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराने की बात किया करते थे। इसी तरह हमारे देश में एक क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस। वो भी मानते थे कि अंग्रेजों के ऊपर कोई बड़ा हमला करना पड़ेगा, कोई फौज बनानी पड़ेगी, कोई सेना तैयार करनी पड़ेगी, और उस हमले के बाद ही शायद अंग्रेज भारत को छोड़ेंगे। तो भारत के कुछ क्रांतिकारी जो हिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी चाहते थे, और भारत के कई महापुरुष महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराना चाहते थे। उद्देश्य दोनों का एक ही था, देश की आजादी। मैं इन दोनों क्रांतिकारियों को ऐसा मानता हूं जैसे हमारे यहाँ कैंची होती है ना, कैंची, उसमें दो धार वाले पाले होते हैं, एक हिंसा वाला मान लो, एक अहिंसा वाला, काटने का काम वो दोनों ही करते हैं। तो अंग्रेजों की गुलामी को उस कैंची से काटने का काम दोनों ही कर रहे थे, एक हिंसा के माध्यम से, एक अहिंसा के माध्यम से। महत्व की बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये, हिंसा अहिंसा का सवाल बड़ा नहीं था, वो उनकी तकनीक थी, वो उनके काम करने का तरीका था। उद्देश्य दोनों का एक ही था, भारत की आजादी। 1924 में जब ये हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, तो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया इस देश में, और उस घोषणा पत्र में सबसे पहला बिंदु ये लिखा गया कि हमें अंग्रेजों से संपूर्ण आजादी इस देश के लिए चाहिए। और फिर अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत में स्वतंत्रता की स्थापना करनी है हमें, माने अपने तंत्र की स्थापना करनी है। और एक एक बिंदु उन्होंने स्पष्ट किया कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव करना है, भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, कानून और न्याय व्यवस्था को बदलना है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बदलना है, उन सब व्यवस्थाओं को बदलना है जिसको अंग्रेजों ने भारत की गुलामी के लिए स्थापित किया है। तो महत्व की बात इसमें समझने की है कि दोनों ही तरह के महापुरुष और क्रांतिकारी इस देश को चाहते थे अंग्रेजों के बाद एक ऐसा देश बनाना जिसका अपनी व्यवस्थाएं हो, अपना तंत्र हो, अपनी भाषा हो, अपनी शिक्षा हो, अपना सब कुछ हो। अब मैं आता हूं आज की बात पर कि अंग्रेजों के पहले के क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा आजादी के बाद का, अब आजादी के 62 साल पूरे होने के बाद अगर हम जरा इसका अवलोकन करें तो पता चलता है कि अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजियत इस देश में से बिल्कुल नहीं गई है। अंग्रेजियत वैसी की वैसी ही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। कई बार तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा अंग्रेजियत अभी अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में हो गई है। महात्मा गांधी का सपना अधूरा है, शहीद आजम भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का सपना अधूरा है, जो वो कहा करते थे कि भारत में स्वतंत्रता लानी है, अपना तंत्र बनाना है, वो अभी तक नहीं बन पाए। मैं कुछ उदाहरण से कहता हूं। अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाकर रखने के लिए एक कानून की व्यवस्था बनाई थी। अंग्रेजों का एक बड़ा चालाकी भरा कदम था वो ये कि भारत में कुछ भी करो कानून के नाम पर करो, अगर भारत को लूटना है तो कानून बनाकर लूटो, भारत की बर्बादी करनी है कानून बनाकर करो,
भारत के लोगों की लूट करनी है कानून बनाकर करो, कुछ भी करो कानून से करो, क्योंकि अंग्रेज कहा करते थे हम तो रूल ऑफ द लॉ वाले लोग हैं, तो रूल ऑफ द लॉ सारी दुनिया को सिखाया करते थे। कई बार अंग्रेजों की दुनिया भर के देशों में आलोचना होती थी कि आपने भारत देश को गुलाम बना के रखा हुआ है, तो अंग्रेज बड़ा सुंदर उत्तर देते थे कि हमने भारत को गुलाम नहीं बनाया, हमने भारत में कानून का राज्य स्थापित कराया है और उसको चलाने के लिए हम भारत में हैं, ये वो कहा करते। भारत में कुछ भी करना है तो कानून बना के करना है, तो उन्होंने कुछ कानून बनाए हुए थे और उन कानूनों की संख्या 34,735 जो कानून अंग्रेजों ने बनाए इस देश में। एक कानून बनाया उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट, एक कानून बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, एक कानून बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट, एक कानून बनाया उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, एक कानून बनाया इंडियन एजुकेशन एक्ट, एक कानून बनाया इंडियन पीनल कोड, एक कानून बना दिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक कानून बना दिया सिविल प्रोसीजर कोड, ऐसे कुल मिलाकर 34,735 कानून बनाए और वो भारत पर अंग्रेजों का राज्य स्थापित करने के लिए थे। और 1000 साल भारत में अंग्रेजों का राज्य चलता रहे उसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ऐसे कुछ 34,735 कानून बनाकर राज किया इस देश पर। अब 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज चले गए तो महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुषों का ये कहना था कि जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए हैं ये सारे कानून जला देने चाहिए, इन सब कानूनों को खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी के मन में इतनी तीव्रता थी, वो कहा करते थे कि कलम की एक नोक से ये सब कानून खत्म होने चाहिए। लेकिन मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि आज़ादी के 62 साल बीतने के बाद भी एक भी कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, उसको जलाया नहीं गया, उसको खत्म नहीं किया गया। सारे के सारे कानून अभी भी इस देश में चल रहे हैं और वैसे ही चल रहे हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में चला करते। तब मन में ये आता है कि अगर अंग्रेजों के समय के कानून 62 साल आजादी के बाद भी चल रहे हैं तो कौन सी आजादी इस देश को आई है। मैं कुछ उदाहरण से कहता हूं। अंग्रेजों ने सन 1860 में एक कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट। इस कानून के बारे में एक विशेष बात अंग्रेजों ने की वो ये कि भारत के क्रांतिकारियों को, शहीदों को, आजादी की बात करने वाले लोगों को पुलिस के अत्याचार से परेशान करना इस कानून का एक ही मकसद था और इसके लिए पुलिस बनाई उन्होंने। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था के पहले किसी भी राजा ने पुलिस नहीं बनाई थी इस देश में। सेना हुआ करती थी, पुलिस कभी नहीं बनी इस देश में। इस देश में महान महान सम्राट हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, जैसे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त, चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन, चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस देश में ऐसे बीसियों चक्रवर्ती सम्राट हुए, किसी भी राजा ने, किसी भी सम्राट ने कभी भी पुलिस नहीं बनाई। आर्मी बनाई, फौज बनाई, जो विदेशी हमले से देश की रक्षा करने के लिए है, लेकिन देश के लोगों पर अत्याचार करने के लिए पुलिस किसी ने नहीं बनाई। अंग्रेजों ने पहली बार 1860 में इस देश में पुलिस बनाई और उसका उद्देश्य ये था कि पुलिस की मदद से भारत के क्रांतिकारी, भारत के जो शहीदी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं इनको दबा के रखना, अत्याचार करवाते रहना, कंट्रोल में रखना। और उस पुलिस ने अत्याचार किए इस देश पर। महान पुरुष आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार ने सन 1926-27 में एक कानून लाया था रॉलेट एक्ट। पहले इसको लाया था 1919 में, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो थोड़े दिन के लिए उसको पेंडिंग कर दिया, छोड़ दिया,
फिर दोबारा से 1926-27 में उसको लाने की कोशिश थी। उसके खिलाफ लाला लाजपत राय ने एक जुलूस निकाला था, जैसे हम अभी आजकल अपने देश में कोई सरकार की नीति के खिलाफ जुलूस निकालते हैं, वैसे ही लाला लाजपत राय ने एक शांतिप्रिय तरीके से जुलूस निकाला था। उस जुलूस के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था और लाला जी को इतनी लाठियां मारी गई थी सिर में कि उनका सिर फट गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी मृत्यु हुई थी। लाला जी की मृत्यु जिस अंग्रेज अधिकारी की लाठियों के मारने से हुई उसका नाम था सैंडर्स। इस सैंडर्स नाम के अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ शहीद आजम भगत सिंह ने एक FIR किया था, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके ऊपर मुकदमा चले सैंडर्स के ऊपर कि उसने बेकसूर लाला लाजपत राय को मार डाला और उसकी सजा उसे मिले, इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी अदालत से न्याय की गुहार की थी। जब अंग्रेजी अदालत में यह मामला गया तो सैंडर्स बाइज्जत बरी हो गया, छूट गया, उसको कोई सजा नहीं हुई। कारण क्या था? अदालत में जब बहस हुई कानून के पक्ष पर तो पता चला सैंडर्स ने अपना पक्ष रखा कि मैंने लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा क्योंकि मेरी ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था और ये कर्तव्य करने के लिए मुझे अधिकार मिला है और वो अधिकार मुझे एक कानून ने दिया है और उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। तो इंडियन पुलिस एक्ट कानून के अधिकार से मुझे ये मिला, मैंने लाला जी को लाठियों से मारा, अब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं कि उनकी मृत्यु हो गई, कानून ये कहता है। तो अंग्रेज जज ने उस कानून का पक्ष लेते हुए कहा, उसने टिप्पणी भी की थी कि हम इस अदालत में न्याय कर पाए न कर पाए लेकिन कानून के आधार पर फैसला जरूर दे सकते हैं और फैसला यह है कि सैंडर्स को बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि इंडियन पुलिस एक्ट में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। इसका मतलब है कि कोई पुलिस अधिकारी आपको डंडे से पीटे तो ये अधिकार है उसका, आप उसके डंडे को रोक नहीं सकते क्योंकि ये आपका अधिकार नहीं। अगर पुलिस वाला डंडे मार रहा है और आपने डंडा पकड़ा तो कानून आपके खिलाफ है, पुलिस वाले के समर्थन में है, ये व्यवस्था है। तो सैंडर्स ने दलील दी, छूट गया, वो मुकदमा नहीं चला, उसको सजा नहीं हुई, तो भगत सिंह को क्रोध आया और भगत सिंह अकेले नहीं थे जिनको क्रोध आया, चंद्रशेखर आजाद को क्रोध आया, उनके सब साथियों को क्रोध आया और इन लोगों ने एक फैसला लिया कि अंग्रेजी अदालत और कानून ने तो न्याय नहीं दिया, अब हम अपने हाथों से न्याय करेंगे। और अपने हाथों से न्याय करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया और उस संकल्प की पूर्ति के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी। शहीद आजम भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी थी, वो कहानी आप सब जानते हैं, और एक नहीं तीन गोलियां मारी थी। भगत सिंह जी को किसी ने कहा था कि आपने एक गोली मारी इसी में मर गया था, वो तो दो और क्यों मारी आपने? तो भगत सिंह ने कहा था कि मुझे गुस्सा इतना था उसके खिलाफ कि और रिवाल्वर में गोली होती तो वो भी उतार देता उसकी छाती, भले वो एक ही गोली में मर गया था। और आप जानते हैं कि इसी सैंडर्स वध में शहीद आजम भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी और उस फांसी की सजा के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जो न्याय अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था ने मुझे नहीं दिया वो न्याय मैंने मेरे हाथों से ले लिया। सैंडर्स का मरना जरूरी था, अगर वो जिंदा रहता तो किसी दूसरे लाला लाजपत राय को लाठियों से मारता, किसी तीसरे लाला लाजपत राय को मारता और हमारे क्रांतिवीरों पर अंग्रेजों की लाठियां पड़ती रहें और वो शहीद होते रहें, ये हमारी बर्दाश्त के बाहर है। एक बार लाहौर की जेल में जब शहीद आजम गिरफ्तार थे, भगत सिंह को रखा गया था लाहौर की जेल में, तो कई बार अखबार वाले उनको मिलने आते थे और वो अखबार वाले अक्सर उनसे पूछा करते थे कि अब आपकी इच्छा बताओ वो क्या है, अब फांसी तो हो जाएगी वो तो तय हो गया, अब आपकी कोई इच्छा है
आप कोई संदेश देना चाहते हैं, तो भगत सिंह ने कहा कि आप लिख सको तो अखबार में मेरी तरफ से यही लिखो कि मेरे जाने के बाद भी भारतवासी सबसे ज्यादा कोशिश इस बात की करें कि अंग्रेजों का बनाया गया ये कानून जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट, ये हमेशा के लिए खत्म किया जाए और दोबारा किसी अंग्रेज अधिकारी को ये अधिकार ना मिले कि भारतवासियों के ऊपर वो लाठी चार्ज करे और उनको मृत्यु दंड मिले। ये भगत सिंह जी का सपना था। अब मैं आता हूं सन 2009 पर। शहीद आजम भगत सिंह ने जिस कानून के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान किया, जिस कानून के अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान किया, वो कानून इस देश की आजादी के 62 साल के बाद भी चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 1860 का बनाया हुआ इंडियन पुलिस एक्ट 2009 में भी वैसे का वैसा ही चल रहा है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है, 1860 में अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों को जो राइट टू ऑफेंस दिया गया था, 2009 में वो राइट टू ऑफेंस सभी अधिकारियों को आज भी है। वो चाहें तो आपके ऊपर लाठियां मार के आपका सिर फोड़ सकते हैं, टांगे तोड़ सकते हैं, आपको लहूलुहान कर सकते हैं, आपको घायल कर सकते हैं, आपकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। और ये रोज इस देश में होता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। आजादी के बाद इस देश के बोनाफाइड सिटीजन, जो इस देश के मालिक हैं, जिनके वोट से इस देश की सरकारें चुनी जाती हैं, जिनके नोट से इस देश के पुलिस अधिकारियों का वेतन तय होता है, उन लोगों के ऊपर पुलिस का बर्बरता से लाठी चार्ज होता है और अभी भी लोग वैसे ही मरते हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में मरा करते हैं। मुझे तो कभी बहुत दुख होता है ये कहते हुए, एक घटना अभी सुनाता हूं, सच्ची घटना, शायद आपको याद आ जाए। कभी कभी टेलीविजन पे समाचार देखने का वक्त मिल जाता है तो मैं देख लेता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक समाचार देख रहा था, दिल्ली में भारत देश के अंध लोगों का एक संगठन है जिसके कुछ कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, अंधे लोगों का संगठन, उसका कुछ नाम है नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन ऐसा कर। तो उस संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, अब वो अंधे थे, देख नहीं सकते, तो हर एक अंधे व्यक्ति के साथ कोई एक आंख वाला व्यक्ति था। वो सब लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए जंतर मंतर पर। जंतर मंतर दिल्ली में अब एक ही स्थान रह गया है जहां सरकार के खिलाफ आप कोई प्रदर्शन कर सकते हैं या ज्ञापन दे सकते हैं। तो ये अंध लोगों के संगठन ने ज्ञापन देने के लिए तय किया, जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए, पुलिस वालों ने उन सबको लाठियों से पीटा, सबको पीटा। और वो देखा हमने टीवी पर, पुलिस वालों की लाठियां चलते हुए देखा हमने टीवी पे। अब जिनकी आंखें थी वो तो भाग लिए इधर उधर, जो अंधे थे वो भागे किधर। इतना खतरनाक दृश्य था कि वो बेचारे हाथों से एक दूसरे को टटोल कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां उनके ऊपर बरस रही हैं, किसी के सिर से खून निकल रहा है, किसी के कान से, किसी के पैरों से, बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया। उस दिन मैंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा, क्या भारत आजाद हो गया है, क्या ये देश स्वतंत्र हो गया है, क्या इस देश में कोई स्वराज्य आ गया है। इस देश का आम नागरिक अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह से पिटा करता था, आज भी पैसे ही पिट रहा है, कहां अंतर है इस देश की अंग्रेजी व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में। एक और उदाहरण देता हूं, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो पोलियो के शिकार हैं, जिनके पांव काम नहीं करते, उनका एक संगठन है अखिल भारतीय विकलांग परिषद करके, उनका एक सम्मेलन हुआ है इसी तरह से, और उनकी तरफ से कोई ज्ञापन सरकार को देने की बात थी, तो वो अपनी जो ट्राई साइकिल है उसको चला के जाते हैं क्योंकि उनके तो पांव काम नहीं करते। उनका एक ऐसा ही कार्यक्रम था, पुलिस ने उस पर भी लाठी चार्ज किया, साइकिलें तोड़ दी उनकी, सिर फोड़ दिए उनके। और फिर उस दिन मन को यही प्रश्न आया कि भारत स्वतंत्र हुआ है क्या, भारत आजाद हुआ है क्या।
और एक उदाहरण देता हूं, हमारे देश में राजस्थान नाम का एक राज्य है, वहां अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। राजस्थान की एक तत्कालीन सरकार ने एक फैसला किया कि गांव गांव शराब की दुकानें खोली जाए, गांव गांव। तो जिन गांवों में पहले से शराब की दुकानें हैं उनके अलावा जहां नहीं है वहां शराब की नई दुकानें खोली जाए। तो गांव के किसानों ने इकट्ठे होकर इसका विरोध किया और किसानों का यह कहना था कि हमको शराब नहीं चाहिए, हमको पीने का पानी चाहिए, हमको शराब नहीं चाहिए, हमारे खेतों को पानी चाहिए। आप जानते हैं राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पानी सबसे कम है, तो खेतों को पानी मिले, पीने का पानी मिले, वो हमें चाहिए, हमें शराब नहीं चाहिए। इसके लिए किसानों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, पुलिस ने उसके ऊपर गोलियां चलाई और 17 किसान उसी क्षण मार दिए उन्होंने। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा, क्या देश आजाद हो गया है? किसानों को इतना भी हक नहीं है इस देश में कि वो अपने खेत के लिए पानी की मांग करें? किसानों को इतना भी अधिकार नहीं है इस देश में कि वो अपने पीने के पानी की मांग करें? क्या किसानों को इतना भी हक नहीं है कि वो सरकार को कहें कि हमें शराब नहीं चाहिए, हमें पीने का पानी चाहिए? और पुलिस हमारी इतनी अत्याचारी कि उनके ऊपर गोलियां चलाए और 17 लोगों को मर जाना पड़े उसमें। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे देश में बंगाल नाम का एक राज्य है, वहां पर सिंगूर नाम का एक छोटा सा गांव है। सिंगूर के किसानों की जमीनें जबरदस्ती छीनी गईं और उन जमीनों को बचाने के लिए किसानों ने एक संघर्ष समिति बनाई और उस संघर्ष समिति की तरफ से एक आंदोलन शुरू हुआ। पुलिस ने उस आंदोलन को करने वालों के ऊपर बार बार गोलियां चलाई हैं और उनमें 24 लोग अभी तक मार डाले हैं उन्होंने। और खाली गोलियां नहीं चलाई हैं, पुलिस के जवानों का इतना ज्यादा बहशीपना हमने देखा, क्योंकि मैं तो सिंगूर जाके आया, कि उन्होंने आंदोलन करने वालों के परिवार की मां बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर दिया, उनके साथ बलात्कार किया उनका मनोबल तोड़ने के लिए। और हम जब इस मामले को लेकर ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए तो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले हैरान हो गए ये सुनकर कि भारत की पुलिस आजादी के 62 साल के बाद भी वही करती है जो अंग्रेजों के जमाने में करती थी। सिंगूर जैसा ही एक छोटा सा गांव है नंदीग्राम, वो भी बंगाल में है, और वहां भी यही हुआ। नंदीग्राम के किसानों की जमीनें छीनी गई जबरदस्ती, वो बेचना नहीं चाहते फिर भी छीनी गई और उन सभी किसानों को लाठियों से मारकर, गोलियों से घायल करके जबरदस्ती जमीनें लेने का काम सरकारें करती रही, पुलिस उनमें उनका सहयोग करती रही। और ये तो कुछ घटनाएं मैंने ऐसी बताई हैं जो आप सब लोग पहले से जानते हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं। ऐसी घटनाएं इस देश में हर दिन घटित होती हैं। जब पुलिस के अत्याचार की कहानी सुनकर पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस देश के लोगों के, और फिर अपने आप से हम पूछते हैं कि क्या ये आजाद देश के नागरिक हैं जिनके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, और क्या ये आजाद देश भारत की पुलिस है जो अंग्रेजों जैसा अत्याचार इस देश के लोगों पर कर रहे हैं। दुनिया के किसी देश में पुलिस के अत्याचार के ऐसे उदाहरण आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। आप ब्रिटेन चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, कनाडा चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, किसी भी देश में पुलिस लोगों के साथ बर्बरता से पेश नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने पुलिस के कानून इस तरह के बनाए हुए हैं। हमारे देश की पुलिस जितनी बर्बरता करती है, जितनी बदतमीजी करती है आपके साथ, जितनी बेइज्जती करती है आपकी, वो सब इसलिए कि एक कानून बना हुआ है, इंडियन पुलिस एक्ट, जिसमें पुलिस वालों को असीमित अधिकार हैं और उस कानून के चलते वो सुरक्षित हैं। और इस देश में शासन व्यवस्था में अपने धाक को जमा कर लोगों को डराते रहते हैं, आतंकित करते रहते हैं। पुलिस अधिकारियों से जब बात करता हूं तो वो कहते हैं, काफी बातें आपकी सच हैं, हम भी क्या करें, हम कानून से बंधे हुए हैं। तो मैं कहता हूं, आप बगावत कर दो इस कानून के खिलाफ,
आप इंसान नहीं हो, आपका हृदय नहीं है, आपका दिल नहीं है, आप क्यों नहीं बगावत कर देते। आम आदमी की समझ में अगर ये बात नहीं आती तो आपकी समझ में तो आती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में हम बगावत कर सकें इसके लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, स्पेस नहीं है, हमारी सीमाएं नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है। परिणाम क्या निकल रहा है? कानून वही चल रहा है, अत्याचार वैसे ही हो रहा है, अनाचार दुराचार वैसे ही हो रहा है। इसलिए हमको ये लगता है और कहना पड़ता है कि देश अभी आजाद हुआ नहीं है, स्वतंत्रता अभी आई नहीं है, जब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ ये कानून खत्म नहीं होता तब तक शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा को कौन सी श्रद्धांजलि हम अर्पित करें जो हर साल हम 23 मार्च को करते। जिस कानून के खिलाफ लड़ते उन्होंने जान दी है, जिस कानून के खिलाफ लड़ते लाला लाजपत राय ने जान दी है, अगर वही कानून इस देश में चल रहा हो तो लाला जी को कौन सी श्रद्धांजलि अर्पित हम कर सकते हैं आजादी के 62 साल। ये गंभीर प्रश्न है। ऐसा ही एक और गंभीर प्रश्न है, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के नागरिकों को लूट करने के लिए, सारे संसाधन अपने हाथ में लेने के लिए कई कानून बनाए थे। उनमें से एक कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि के अधिग्रहण का कानून। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जमीन के छीनने का कानून। अधिग्रहण तो बहुत अच्छा शब्द है। अधिग्रहण में क्या होता है? मेरी खुशी से मैं जमीन बेचता हूं और दूसरा अपनी खुशी से उसे खरीदता है, वो अधिग्रहण होता है, जिसमें मेरी इच्छा मेरी खुशी साम शामिल है। जहां मेरी इच्छा और मेरी खुशी नहीं है और जबरदस्ती कोई मेरी जमीन को छीनता है, वो छीनना है, लूटना है, वो अधिग्रहण नहीं। लेकिन कानून में उसका भाषांतर ऐसे ही किया गया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। अब ये कानून कभी बनाया था एक अंग्रेज ने जिसका नाम था डलहौजी। डलहौजी एक अंग्रेज अधिकारी था, भारत में आया और उसने इस देश में वो कानून बनवाया। कानून बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? भारत के किसानों से जमीनें छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की संपत्ति बनाना, ये उसका उद्देश्य था। कानून लंदन में पास हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस पर बहस हुई, बहस होने के बाद पास हुआ, इस देश में लागू किया गया। लागू होते ही डलहौजी ने इस कानून के आधार पर जमीनें छीनना शुरू किया। डलहौजी ने एक डायरी लिखी है अपनी, उस डायरी के कुछ पन्ने हम लोगों के हाथ में हैं। उसमें वो लिखता है कि मैं एक एक गांव में जाता था और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता था, गांव के पंचायत घर पर नोटिस लगाया जाता था, गांव वालों को बुलाया जाता था और उनसे एक ही सवाल पूछा जाता था कि जो जमीनें आपके हाथ में हैं इसका आप हमें प्रमाण पत्र दो कि ये जमीन आपकी है। कोई कागज हमें दिखाओ जिससे ये सिद्ध हो कि ये जमीन आपकी है। तो भारत के ज्यादातर किसान कहा करते थे कि हमारे यहाँ कागजों पर लिखकर जमीन का हस्तांतरण नहीं होता, हमारे देश में तो जमीन का हस्तांतरण परंपरा से होता है। मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे जमीन दे दी, मैंने मेरे बेटे को दे दी, उसने अपने बेटे को दे दी, इस तरह से जमीन का हस्तांतरण हुआ करता है। तो ज्यादातर किसान ये उत्तर देते थे। तो डलहौजी कहता था आपके पास जमीन का कागज नहीं है, लिहाजा ये जमीन आपकी नहीं है, अब ये अंग्रेज सरकार की जमीन है। तो एक एक दिन में 25,000 किसानों से जमीनें छीनी जाती थी। डलहौजी जितने दिन इस देश में रहा, उस डलहौजी के अपने कहे हुए शब्दों की बात मैं कह रहा हूं, वो कहता है कि अंग्रेज प्रशासन ने मेरे इस कानून की मदद से 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीन ली। 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीन, और एक दो हेक्टेयर नहीं, करोड़ों हेक्टेयर जमीनें छीन, और वो सारी जमीनें अंग्रेज सरकार की संपत्ति हो गई इस कानून से, लैंड एक्विजिशन एक्ट। जमीन का मुआवजा कभी किसी किसान को नहीं दिया गया। क्यों? उन्होंने घोषणा कर दी कि ये किसान तो मालिक है ही नहीं इस जमीन के, मुआवजा इनको क्या देना है, इनके पास तो इलीगल पोजेशन था, हमने छीन लिया, अब उसको लीगलाइज कर रहे हैं हम। ये डलहौजी का तर्क था।
चलो जी क्या कहता था, किसानों के पास कागज नहीं है जमीन के, इसलिए ये इलीगल है, गैर कानूनी है, हम छीन रहे हैं तो इसको कानूनी बना रहे हैं, अंग्रेज सरकार की संपत्ति बना रहे। परिणाम ये हुआ, इस कानून के चलते 10,000 किसान इस देश में भूमिहीन हो गए, लैंडलेस हो गए, जमीन से विहीन कर दिए गए 10 करोड़ किसान। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। जिस समय भारत में ये कानून लागू किया गया था उस समय इस देश की आबादी 20 करोड़ थी। उस 20 करोड़ आबादी के आधे हिस्से को जमीन से विहीन कर दिया अंग्रेजों ने। तब मुझे समझ में आया कि हमारे देश में इतने सारे किसान भूमिहीन कैसे हैं, इनकी जमीनें कहाँ गई, क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले इस देश में कभी भी कोई किसान भूमिहीन नहीं रहा। अंग्रेजों के आने के पहले के दस्तावेज बताते हैं हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन हुआ करती थी इस देश में, बिना जमीन के कोई किसान नहीं था इस देश में। अंग्रेजों ने यह कानून बनाकर करोड़ों किसानों को भूमिहीन कर दिया। अब मुझे दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि जिस तरह से डलहौजी जमीन छीनता था भारत के किसानों से, आज आजादी के 62 साल के बाद हमारी सरकार वैसे ही जमीनें छीनती है किसानों से जैसे डलहौजी छीना करता था। कानून वही है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, और उसी कानून के आधार पर हजारों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीन किसानों से छीनी जाती है। सरकार उस जमीन को किसी प्राइवेट बिल्डर को बेच देती है, प्राइवेट कंपनी को बेच देती है। किसानों से जमीन छीनी जाती है तो उसकी कीमत होती है 15-20 पैसे स्क्वायर फिट, और किसी बिल्डर को बेची जाती है या बिल्डर उस जमीन को रीसेल करता है तो कीमत हो जाती है 1500 रुपए स्क्वायर फिट। आप अपने मध्य प्रदेश में जरा घूम जाइए, कितने हजार हेक्टेयर जमीन किसानों से छीनकर प्राइवेट कंपनियों को सरकार ने बेची है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों के एजेंट की तरह से काम करती है। और ये मध्य प्रदेश अकेले की कहानी नहीं है, बंगाल की कहानी ये है जहां पर सर्वहारा वर्ग की सरकार है, आप जानते हैं कम्युनिस्ट सरकार है, और विचित्र विचित्र शब्द हैं उनके, सर्वहारा वर्ग के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, भूमिहीनों के लिए काम करते हैं। उस बंगाल में लाखों एकड़ जमीन किसानों से छीनकर टाटा को बेची गई है, और इंडोनेशिया की बड़ी विदेशी कंपनियों को बेची गई है, और उसी में सिंगूर हुआ है, उसी में नंदीग्राम। कम्युनिस्टों की सरकार हो या बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार हो या जनता दल की, सरकारें एक ही चरित्र में काम करती हैं, किसानों से जमीनें छीनना, बड़ी प्राइवेट कंपनियों को बेचना। मैं राजस्थान में बहुत दिनों तक एक आंदोलन में शामिल था, राजस्थान की सरकार ने 50,000 बीघा जमीन कुछ किसानों से छीनी अलवर जिले में, और एक शराब बेचने वाली विदेशी कंपनी को दे दी। हमने उस मामले में जब मुकदमा किया तो पता चला कि सरकार ने जनहित में ऐसा किया, जनहित में, लोगों के हित में ऐसा किया। जिस जमीन पर गेहूं पैदा होता था, चावल पैदा होता था, और एक साल में 4 फसल होती थी, उस जमीन को किसानों से छीनकर शराब बेचने वाली कंपनी को देना, ये राष्ट्रीय हित है, ये जनहित है, ये सरकारों की परिभाषा है। अगर ये जनहित है तो जनद्रोह क्या होगा, ये राष्ट्रीय हित है तो राष्ट्रद्रोह किसको कहेंगे, अभी इसको तय करने की बात है। जमीन छीन ली, विदेशी कंपनी को बेच दी उन्होंने। एक बार गुजरात में एक सरकार थी, चिमन भाई पटेल उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गुजरात में कच्छ में गांधीधाम नाम का एक शहर है, उस गांधीधाम के नजदीक में समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा द्वीप है वेट, उसका नाम है सतसाइडा वेट, 60,000 वर्ग फुट का, सॉरी 60,000 वर्ग किलोमीटर का द्वीप है। वो पूरा द्वीप चिमन भाई पटेल ने एक अमेरिका की कारगिल कंपनी को बेच दिया, और उसकी कीमत थी 15 पैसे स्क्वायर फिट।
उस मामले में जब गुजरात के हाई कोर्ट में मुकदमा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन, तो चिमन भाई पटेल ने उत्तर दिया कि जनहित में मैंने ऐसा किया, राष्ट्रहित में मैंने ऐसा किया। अब इन नेताओं का जनहित ही समझ में नहीं आता, राष्ट्रहित समझ में नहीं आता। और जब हम अदालत में खड़े हुए तो न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की थी, उसने कहा था कि मैं आपके दर्द को समझता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, लैंड एक्विजिशन एक्ट कानून ऐसा है जिसमें मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मैं सरकार के खिलाफ फैसला नहीं दे सकता। हमने उस न्यायाधीश को पूछा क्यों नहीं दे सकते, तो उसने कहा कि भारत में एक संविधान लागू है, उस संविधान में एक 9th शेड्यूल है, और 9th शेड्यूल में जितने कानून है उनमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यह व्यवस्था है, और लैंड एक्विजिशन एक्ट उस 9th शेड्यूल में है, इसलिए मैं भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लिहाजा जमीन अगर गई है तो आप इसके लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ो, विधानसभा में लड़ाई लड़ो, लोगों के बीच में लड़ाई लड़ो, अदालत आपकी मदद नहीं कर सकती। और इस देश में यही होता है, जब भी गांव की जमीनें छीनी जाती हैं, आप जानते हैं आजकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं इस देश में, और हजारों हजारों एकड़ें जमीनें किसानों से छीनी जा रही हैं, और बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को कौड़ी के भाव में बेची जा रही हैं। अब तक 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन किसानों से छीनकर सरकार ने विदेशी कंपनियों को दे दी है। तो जमीन छीनने की जो प्रक्रिया है वो वही है जो डलहौजी के जमाने में हुआ करती थी। एक नोटिस दे देते हैं गांव वालों को और कह देते हैं गांव छोड़कर भाग जाओ, अब आप कहीं भी रहो, ये गांव की जमीन सरकार की है, वो जिसे चाहे उसको बेचे। ये कानून अगर डलहौजी का है और आजादी के 62 साल के बाद भी चल रहा है, तो कैसे हम कहें कि देश आजाद हो गया है? किसानों के लिए तो देश अभी भी गुलाम है, पहले अंग्रेजों का था, अब काले अंग्रेजों का है, बस अंतर इतना है। पहले गोरे अंग्रेज जमीन छीना करते थे, अब काले अंग्रेज जमीन छीन रहे हैं, अंतर इतना ही है। पहले डलहौजी छीना करता था, अब मुझे लगता है कि डलहौजी की आत्मा ही हमारे नेताओं में प्रवेश कर गई है, जो किसानों की जमीनें ऐसे छीनते हैं। इस देश मरा नहीं है डलहौजी, जिंदा है। इसलिए हमारे दिल में यह कसक उठती है कि भारत की आजादी का क्या हुआ, हमारी स्वतंत्रता का क्या हुआ, जो कानूनों से अत्याचार अंग्रेजों के जमाने में था वही तो आज भी है। एक और उदाहरण देता हूं, अंग्रेजों ने इस देश को लूट करने के लिए बहुत कानून बनाए। अंग्रेजों ने इस देश में प्रवेश ही किया था लूटने के लिए। आपको यह सुनकर बहुत हैरानी होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी। हमने इतिहास में यही पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, क्योंकि उसके नाम के आगे लिखा रहता ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रैकेट में ट्रेडिंग कंपनी। ये ट्रेडिंग का माने व्यापार ही नहीं होता है। मैं आजकल अंग्रेजों की सभ्यता और उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी जो निजी जिंदगी है, प्राइवेट लाइफ, उसका थोड़ा गहराई से अध्ययन कर रहा हूं। अभी मुझे पता चला कि 15वीं-17वीं शताब्दी में ट्रेड का माने होता था प्लंडरिंग, लूटमार। हम ट्रेड का अर्थ लगाते हैं व्यापार, और उनके लिए ट्रेड का अर्थ था लूटमार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी नहीं थी, लूटमार करने वाली कंपनी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास भी वैसा ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 16वीं शताब्दी में, जिन अंग्रेजों ने यह कंपनी बनाई थी वो सब लुटेरे थे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 15वीं-16वीं शताब्दी में अंग्रेजों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जैसे भारत के बारे में कोई पूछे भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है, आप कहेंगे खेती। फिर कोई पूछे भारत के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या है, आप कहेंगे पशुपालन। फिर कोई पूछे तीसरा मुख्य व्यवसाय बताओ, तो कारीगरी, हाथ का काम। चौथा मुख्य व्यवसाय उद्योग, वगैरह वगैरह। इंग्लैंड का 1000 साल तक मुख्य व्यवसाय था लूट मार।
पांचवी शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक इंग्लैंड जिंदा रहा लूट मार के दम पर। यह उनका मुख्य व्यवसाय था। आप बोलेंगे बड़ा विचित्र है, लूटना उनका मुख्य व्यवसाय था, वो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके देश में कुछ होता ही नहीं, खेती होती नहीं थी 15वीं शताब्दी तक, क्योंकि खेत नहीं थे, मिट्टी नहीं थी, खेतों में पत्थर, साल में 6-8 महीने बर्फ जमी रहती है जहां खेतों में, वहां खेती कैसे हो सकती है, मिट्टी पत्थर जैसी हो जाती है, घास का तिनका भी नहीं उगता, इसलिए खेती नहीं होती थी। अब खेती नहीं होती तो कच्चा माल नहीं हो सकता, रॉ मटेरियल तो सब खेतों से ही पैदा होता है, कच्चा माल नहीं होगा तो कारखाने नहीं लग सकते, उद्योग नहीं हो सकते, तो ना तो इंग्लैंड में उद्योग था, ना कारखाने थे, ना खेती थी, कुछ था ही नहीं। तो आप बोलेंगे खाते पीते कैसे थे, जंगलों में जाकर जो जानवर है उनको मारा करते थे, उनका मांस खा के किसी तरह से पेट भरा करते थे, ये पेट भरने का तरीका था। और कपड़े पहनने को थे नहीं क्योंकि कपड़ा बनता नहीं था इंग्लैंड में, पहली बार कपड़ा भारतवासियों ने पहनाया उनको, वो तो चमड़ा लपेटकर जिंदा रहने वाले लोग थे, जानवरों को मार के खाते थे, चमड़ा निकलता था उसको शरीर पर लपेट के जिंदगी बिताते थे, जैसे वनवासी और आदिवासी लोग रहते हैं। उनको कपड़ा पहनना हमने सिखाया, कपड़ा बनाना हमने सिखाया, कपड़ा बनाने के लिए रुई चाहिए, कच्चा माल कपास, वो हमने इंग्लैंड भिजवाया, ये तो सब भारत से आने के बाद उन्होंने किया, तो उनके यहाँ तो कुछ था नहीं। एक ही काम था उनके पास कि इंग्लैंड के नजदीक में समुद्र है, उस समुद्र के रास्ते से जो पानी के जहाज व्यापार के लिए जाया करते थे, उन जहाजों की लूट मार अंग्रेज किया करते थे, और इन जहाजों की लूटमार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, और कई बार वो ऐसे जहाजों को लूटा करते थे जो भारत से जाया करते थे, क्योंकि भारत का व्यापार उन दिनों में बहुत ज्यादा चलता था अफ्रीका के साथ, तो भारत के सभी जहाज उस रास्ते से जाते थे, तो भारत के जहाजों को जब लूटते थे तो बड़ा ही संपत्ति मिलती थी, तो उनको ये हैरानी होती थी ये आते कहां से हैं जहाज इतनी संपत्ति लेकर, तब भारत के बारे में उन्हें पता चला था। तब वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों के राजा को एक एप्लीकेशन दिया था कि हमको भारत लूटने के लिए एक अधिकार पत्र दे दो। लिटरली भारत को लूटने का अधिकार पत्र उन्होंने मांगा था अंग्रेज राजा से। तो अंग्रेजों के राजा ने कहा ठीक है, आप तो भारत को लूटोगे, हमें क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा जो लूटेंगे उसका एक हिस्सा राजा को भी मिलेगा। तो राजा ने इस आधार पर एक अधिकार पत्र दिया था कि जाओ तुम भारत की लूट करो, उसको लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, लूटने के लिए आई थी। लुटेरे लोग थे, कोई व्यापारी लोग नहीं थे, व्यापारी तो कुछ खरीदता है कुछ बेचता है, लुटेरे के पास खरीदने के लिए कुछ नहीं होता, बेचने के लिए कुछ नहीं होता, वो तो छीन झपट के लेके जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी लुटेरों की कंपनी थी और अंग्रेज लुटेरे जाति के लोग थे। भारत में आए तो उन्होंने वही किया जिस काम के लिए आए, लूटमार की, और लूटमार जब की तो इस देश में वो हैरान हो गए क्योंकि इतना धन और इतनी संपत्ति भारत में मिलेगी इसका अंदाजा उनको कभी नहीं था। जितने अंग्रेज अधिकारी भारत में आए हैं, जिन्होंने भी अपनी पर्सनल डायरियां लिखी हैं, सब इस बात से हैरान और परेशान थे कि भारत में इतना धन और संपत्ति मिलेगा ये हमने कभी नहीं सोचा। एक अंग्रेज आया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, 1757 में आया, उसने कलकत्ता को लूटा था प्लासी के युद्ध के बाद, और जब कलकत्ते को लूटा तो उसका धन संपत्ति लंदन ले जाना उसने शुरू किया। 7 साल उसने कलकत्ता लूटा, 7 साल के बाद वो वापस लंदन चला गया। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको पूछा गया कि तुम भारत गए थे तो क्या लूट कर लाए, तो उसने कहा कि भारत के एक राज्य के एक शहर के एक मोहल्ले को लूटा है मैंने, एक राज्य पूरा बंगाल, उसका एक शहर कलकत्ता और उसका एक मोहल्ला, उतना ही लूट पाया है मैंने। भारत को लूटना हो तो मेरे जैसे हजारों अधिकारियों को 1000 साल भारत में रहना पड़ेगा, तब हम लूट पाएंगे। ये उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाब दिया। तो उस समय का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने पूछा रॉबर्ट क्लाइव से कि तुम जो लूट कर लाए हो वो धन कितना है,
तो उसने कहा मैंने गिना नहीं, तो अंदाजा बताओ। तो उसने कहा अंदाजा अगर आप लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगाओ कि कलकत्ता से लूटा हुआ धन लंदन लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज लगे, 900 ships, नाव नहीं जहाज। और फिर उसको पूछा जा रहा है एक जहाज में कितना माल आता है, तो उसने कहा रफली 70 metric tons। उस जमाने के जो जहाज होते थे 60-70 metric tons सामान लेके जाते थे, आज के जहाजों में तो 2500-3000-4000 metric tons भी सामान जाता है, लेकिन अंग्रेज जब आए थे तो 60-70 metric tons का माल ले जाने वाला जहाज था, अब एक जहाज 70,000 kilograms माल ले जाता है। ऐसे 900 पानी के जहाज भर के रॉबर्ट क्लाइव यहां से सोने के सिक्के लेके गया, चांदी के सिक्के लेके गया, हीरे जवाहरात लेके गया, मोती पन्ना माणिक लेके गया, क्या लूट मचाई उसने अंदाजा आप लगा सकते। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको पूछा गया कि तुम जो लूट के लाए हो इसका मूल्य कितना है, तो यह बात है 1763 की, 1763 की। उस समय वो कहता है कि रफली 1000 million sterling pounds, 1000 million sterling pounds, 1000 million माने 10 lakh, तो 1000 × 10 lakh sterling pounds इतना वो लूट के ले गया। अब इस धन को आज की भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो 1000 × 10 lakh × 300 × 85 ये पूरा निकाल लीजिए तो लूट का धन निकलेगा खाली एक अंग्रेज का, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव कोई अकेला लुटेरा नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव आया 7 साल लूट के चला गया, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आया वो 10 साल लूट के चला गया, फिर कर्जन आया वो लूट के चला गया, फिर विलियम वेंटिंग आया वो लूट के चला गया, फिर लॉरेंस आया वो लूट के चला गया, डलहौजी आया वो लूट के चला गया, ऐसे 84 गवर्नर जनरल इस देश में आए, सब लूट लूट के ले जाते रहे और इस देश को कंगाल और भिखारी देश बनाते रहे। ये लूट का एक तरीका था अंग्रेजों। दूसरा एक तरीका था, अंग्रेजों ने 100 साल भारत को ऐसे लूटा जैसे चोर लुटेरे लुच्चे लफंगे लोग लूटते हैं, घर में घुसना जो संपत्ति मिली उसको लूट के ले जाना, ऐसे लूटते थे अंग्रेज। अंग्रेज अधिकारियों की डायरियां बताती हैं, रॉबर्ट क्लाइव की डायरी के कई पन्ने हैं जो बताते हैं, वो कहता है कि मैं किसी भी घर में घुस जाता था बिना किसी नोटिस के और मेरे सैनिक जाकर सारी लूटपाट करके उस घर से निकल जाते, घर के लोग विरोध करते थे गोली मारते थे, सीधे गोली मारते, ऐसे लूटते थे। और रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि किसी भी घर में मैं घुसा तो उस घर में सोने के सिक्के ऐसे रखे हुए मिलते थे जैसे चने का ढेर, गेहूं का ढेर, हर एक घर में वो कहता जिस घर में घुसा सोने के सिक्के मिलते थे। तो ये लूटपाट करते रहे 100 साल तक, 1757 से 1857 तक। फिर उसके बाद अंग्रेजों की कंपनी का राज खत्म हो गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन शुरू हो गया इस देश। आप जानते हैं पहले कंपनी राज चला 100 साल तक, उसके बाद फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का राज चला। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लूटने का तरीका बदल दिया। क्या किया उन्होंने, कानून बना दिया लूटने का। उसके पहले के अंग्रेज अधिकारी तो ऐसे ही लूटते थे बिना कानून के, उन्होंने फिर कानून बना दिया। और वो कानून क्या बना दिया, उन्होंने कहा कि भारतवासियों से पैसे ही लेने हैं तो उस तरीके से लो ना, सारी दुनिया में बदनामी भी नहीं होगी और लूट का धन भी हमारे पास आता रहेगा। तो उन्होंने भारत में टैक्सेशन सिस्टम लगा दिया, टैक्स लगा के आपसे पैसे लूट के लंदन लेके जाना। और टैक्सेशन का सिस्टम जब वो लाए तो उसकी बहस हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उसमें ये बात आई
कि भारत के लोगों को कैसे कैसे लूटा जाए। तो एक अंग्रेज आइडिया दे रहा है उनके उनके ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया जाए, तो चलो ठीक है इनकम टैक्स लगा दो। फिर दूसरा अंग्रेज कह रहा है कि भारतवासी उद्योग जो चलाते हैं, व्यापार जो चलाते हैं, उनके उद्योगों पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए, तो चलो एक्साइज ड्यूटी लगा दी। फिर एक अंग्रेज कहता है कि भारतवासी कुछ माल बेचते हैं, माल के बेचने पर सेल्स टैक्स लगा दिया जाए, तो वो लगा दिया। फिर भारतवासी जिस गांव से माल लेके जाते हैं उस गांव का टैक्स लगा दिया जाए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स लगा दिया। फिर जिस सड़क पर से माल लेके जाते हैं उसका रोड टैक्स लगा दिया जाए, फिर पुल पर से जाते हैं तो टोल टैक्स लगा दिया जाए, ऐसे बीसियों तरह के टैक्स लगा दिए। और इस सिस्टम की विशेषता को आप समझिए कि हम उत्पादन करें तो उस पर टैक्स दें, माल बेचें तो उस पर टैक्स दें, बेचकर मुनाफा कमाएं मुनाफे पर टैक्स दें, एक गांव से दूसरे गांव लेके जाएं उस पर टैक्स दें, जिस गांव में माल बनाएं उस गांव का टैक्स दें, जिस गांव में लेके जाएं वहां का टैक्स दें, सड़क का टैक्स दें, पुल का टैक्स दें, टैक्स ही टैक्स लगा दिए। एक अंग्रेज था उस जमाने में, उसका नाम था विलियम विल्वरफोर्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब वो ये बहस होती थी तो वो ऐसे ही सुझाव दिया करता था। तो वो कहता था कि हम पहले लूटते थे तो सारी दुनिया में आलोचना होती थी और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था, अब हम लूटेंगे तो है ही लेकिन आलोचना कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम जवाब देंगे कि हमने तो टैक्सेशन के कानून बनाए हैं, अब भारतवासी लूट रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, हम तो कानून का राज चला रहे हैं भारत। और वो टैक्सेस कितने लगाए उन्होंने, भारत के लोगों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाया 350%। 100 रुपए का सामान हम बनाए तो 350 रुपए एक्साइज ड्यूटी, फिर बेचने जाए तो उस पर सेल्स टैक्स लगाया 180%। 100 रुपए का माल बेचे 180 रुपए सेल्स टैक्स दे, फिर बेचकर मुनाफा कमाए तो मुनाफे पर टैक्स लगाया 97%, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। 100 रुपए आमदनी करें 97 रुपए अंग्रेजों को दें, फिर रोड टैक्स टोल टैक्स ऐसे हजारों प्रतिशत के टैक्स उन्होंने लगाए और टैक्स के माध्यम से सारा धन लूट लूट कर 100 साल तक वो लंदन ले जाते रहे, इंग्लैंड ले जाते रहे। परिणाम एक ही निकला, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा चाहे अंग्रेज सरकार ने लूटा, लूटे इस देश के लोग जो गरीब कंगाल और भिखारी हो गए, और इंग्लैंड उस लूट के पैसे से दुनिया का सबसे ज्यादा समृद्धशाली देश बन गया। इंग्लैंड का इतिहास कभी आप पढ़ें तो आपको एक रोचक जानकारी मिलेगी, वो ये कि 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड भूख से मरने वाला देश था। 100 साल इंग्लैंड में भूखमरी पड़ी थी, 3.5 करोड़ अंग्रेज भूख से मर गए थे 15वीं शताब्दी। फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, भारत में आ गई, और उसके थोड़े ही दिनों के बाद इंग्लैंड दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया, सबसे ज्यादा पैसे वाला देश बन गया, पर कैपिटा इनकम में दुनिया में सबसे ऊंचा देश बन गया, क्योंकि भारत से धन लूटकर वो ले जा चुके थे। इंग्लैंड में एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम आप जानते हैं, जेम्स वॉट, जिसने भाप के इंजन का आविष्कार किया। जेम्स वॉट ने अपनी डायरी में यह लिखा कि मैं अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले पैदा हो गया होता तो मेरा इंजन और मैं दोनों ही भूखे मर गए होते। वो कहता ये तो भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जा चुकी थी और लूट लूट कर धन लंदन आने लगा था, उस धन के पैसे के प्रभाव से मेरे इंजन के आविष्कार का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुआ और मैं बहुत अमीर बन गया। अंग्रेज इतिहासकार बहुत लिखते हैं, विलियम डिग्वी ने यह लिखा कि अगर अंग्रेजों ने भारत को लूटा नहीं होता तो इंग्लैंड नाम का देश तो 15वीं शताब्दी में ही खत्म हो गया होता। बहुत कंगाल और गरीब देश था इंग्लैंड, बहुत बहुत गरीब देश था। भारत से लूटे हुए धन से उनके यहां समृद्धि आई।
तो ये एक व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई लूटखोरी की, और यहां से धन ले जाते थे वो इंग्लैंड। अब मैं आता हूं 2009 की व्यवस्था पर। अंग्रेजों ने जिस टैक्स सिस्टम की मदद से इस देश को लूटा लाखों करोड़ों रुपए, अब उसी टैक्स सिस्टम की मदद से इस देश के काले अंग्रेज इस देश को लूट रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए। हमारे देश में अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद भी इनकम टैक्स लगा हुआ है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगा हुआ है, सेल्स टैक्स का नाम बदल के वैल्यू एडिड टैक्स कर दिया है, बाकी सेल्स टैक्स भी लगा हुआ है, ऑक्ट्रॉय टैक्स लगा हुआ है, टोल टैक्स लगा हुआ है, रोड टैक्स लगा हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स है, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। बस अंतर इतना है कि अंग्रेजों ने भारत पर 23 तरह के टैक्स लगाए थे, आजादी के 62 साल के बाद भारत के ऊपर 64 तरह के टैक्स लगे हुए हैं। और ये सारे के सारे टैक्स आपकी लूट कर रहे हैं, आपका धन यहां से जा रहा है। कहां जा रहा है आप पूछेंगे? अंग्रेज इस धन को लूट लूट कर लंदन ले जाके जमा करते थे। आजादी के बाद के जो काले अंग्रेज हैं वो इस धन को लूट लूट कर ले जाकर स्विट्जरलैंड में जमा करते हैं। आपको मालूम है राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने 1984 में, तो उन्होंने इसका उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपया किसी गरीब आदमी के विकास के लिए भेजता हूं तो उसमें 15 पैसा ही उसके पास पहुंचता है, 85 पैसा लूट लिया जाता है। राजीव गांधी को पूछा कौन लूटता है, तो उन्होंने कहा मेरे ही सहयोगी नेता और हमारे ही अधिकारी लूटते हैं, कोई बाहर वाला नहीं लूटता। इसका माने टैक्स के 1 रुपए में से 85 पैसे की लूट होती थी 1984 में। अब 2009 में राजीव गांधी तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो है, राजीव गांधी तो नहीं है, लेकिन लूटखोरी रिश्वतखोरी तो और बढ़ गई है। अगर मैं इसको मुहावरे में कहूं तो 1984 में तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री थी, अब तो भ्रष्टाचार का महासागर है इस देश में। और 1984 तक लूटने वाली 1 या 2 पार्टियों की सरकार थी, अब तो 48 पार्टियों की सरकारें हैं लूटखोरी में लगी हुई, कोलिशन गवर्नमेंट है अब तो। सब लूट रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। अब लूट कितनी होती है, राजीव गांधी की बात कहता हूं मैं, मेरी नहीं कहता। राजीव गांधी ने 84 में जो कहा 15% लूट होती है, सॉरी 85% लूट होती है, 15% ही विकास में जाता है। अगर 84 से 2009 के इन्फ्लेशन रेट को इसमें मैं जोड़ दूं तो लूट अब 90% से ज्यादा होती है, 10% धन ही विकास के काम में खर्च होता है। और ये 90% जो लूट है ये कितनी बड़ी है अंदाजा आप लगाना चाहें पूरे देश के बारे में। हमारे देश की सरकार, केंद्र की सरकार आपसे जो टैक्स में धन लेती है वो 6.25 लाख करोड़ रुपए 1 साल में। हमारे देश में 31 राज्य हैं, 31 राज्यों की राज्य सरकारें जो धन लेती हैं टैक्स के रूप में वो 12 लाख करोड़ रुपए कुल मिलाकर। और फिर नीचे की सरकारें हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सारे देश में, उनका धन इकट्ठा होता है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, माने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आपसे लिया जाता है हर साल टैक्स के रूप में भारत के 115 करोड़ लोगों से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरकार 20 लाख करोड़ का टैक्स लेती है। अब इसमें से 10% देश के विकास पर खर्च होता है तो वो 2 लाख करोड़ है, और 90% धन लूट लिया जाता है वो 18 लाख करोड़ का है। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि 18 लाख करोड़ रुपए जो लूट लेते हैं हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे नेता, अगर ये पैसा गरीबों को सीधे बांट दिया जाए तो गरीबी 1 साल में ही खत्म हो जाए इस देश में।
मतलब मेरा सीधा सा ये है कहने का कि अगर इस देश में सरकार ना हो, हम सब नागरिक मिलकर टैक्स का पैसा इकट्ठा कर लें और सीधे गरीबों को बांट दें, तो एक ही साल में गरीबी खत्म हो जाए। और अगर 18 लाख करोड़ रुपए का सोना ही खरीद लें तो हमारे हर गांव की सड़क सोने से बन जाए, माने देश का विकास होने में देर नहीं लगेगी। अगर इतना बड़ा धन आपके हाथ में है तो 2-3 साल में तो इस देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं आप। एक साल का 18 लाख करोड़, 2 साल का 36 लाख करोड़, और पूरा ले ले तो 20 लाख 40 लाख करोड़, बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। लेकिन चूंकि हमारे यहां सरकारी व्यवस्था है, धन पूरा सरकार के हाथ में जाता है, फिर बंदर बांट वहां होता है, बंदर बांट में अधिकारी और नेता पहले हड़प लेते हैं, जो बची कुची खुरचन है वो लोगों के खर्च करने के लिए देते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में आजादी के 62 साल के बाद भी कुछ विकास का काम नहीं हो पाता। हमारे देश में आजादी के 62 साल के बाद भी 3 लाख गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं, जहां बिजली नहीं है। आजादी के 62 साल के बाद भी 2.5 से 3 लाख गांव में सड़क नहीं है, चलने की व्यवस्था नहीं है। लगभग 3 लाख गांव में ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर है, ना कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ना कोई दवा का केंद्र है। लोग मरते हैं, बिना दवा के मर जाते हैं। आजादी के 62 साल में इस देश में 14 करोड़ परिवारों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जबकि इस देश में कुल परिवारों की संख्या 21 करोड़ है। 14 करोड़ को तो पानी ही नहीं मिलता पीने का। इस देश में एक एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए करोड़ों घर की माताओं बहनों को 3-3 घंटे सड़क पर कहीं लाइन में खड़े होना पड़ता है, या 2-2 किलोमीटर चल के 1-2 बाल्टी पानी लाना पड़ता है। इस देश के पुलिस थानों में आजकल सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं वो पानी के लिए मारपीट के हैं। मुझे पहले पानी मिले या तुम्हें पहले पानी मिले, पीने का शुद्ध पानी नहीं। लगभग 15 करोड़ परिवार इस देश में ऐसे रहते हैं जिनकी माताओं बहनों को सुबह शौच जाने के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है। आजादी के 62 साल में उनको अपने दैनिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए किसी सड़क के किनारे बैठना पड़ता है, और बार बार मेरे जैसे लोगों की दृष्टि पड़ने पर उठना पड़ता है, फिर बैठना पड़ता है। वो दृश्य देखने लायक नहीं होता। आजादी के 62 साल के बाद 50% से ज्यादा बच्चे इस देश में स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि माता पिता के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। आधी आबादी निरक्षर है इस देश की। 65% आबादी हमारे देश की किसी भी तरह की चिकित्सा नहीं ले सकती, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। ना एलोपैथी की चिकित्सा ले सकते हैं, ना होम्योपैथी की, ना आयुर्वेद की, ना बायोकेमिक। और इससे भी ज्यादा अफसोस इस देश में यह है कि हर साल जितने बच्चे इस देश में पैदा होते हैं, उनमें से आधे बच्चे मां का दूध नहीं मिलने के कारण मर जाते हैं, क्योंकि मां के शरीर में दूध नहीं बनता, क्योंकि मां को खाने के लिए पोषक अन्न नहीं मिलता। यह आजादी के 62 साल के भारत की तस्वीर है। इस भारत देश में आजादी के 62 साल के बाद हमारी सरकार ने एक रिपोर्ट अभी निकाली थोड़े दिन पहले, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 84 करोड़ भारतवासियों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है, माने 84 करोड़ भारतवासी हर दिन 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। 50 करोड़ भारतवासी हर दिन 15 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 25 करोड़ भारतवासी हर दिन
दस रुपए खर्च नहीं कर सकते और 15 करोड़ भारतवासी तो एक दिन में 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। इतनी गरीबी में डूबा हुआ देश है। आप बोलेंगे तो 62 साल में हमने कुछ विकास ही नहीं किया। हाँ किया है, भारत के 3.5 करोड़ लोगों का बहुत विकास हुआ है पिछले 62 साल। 3 से 3.5 करोड़ लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको टीए मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, जिनको सैलरी मिलती है और इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद सैलरी बढ़ती है, हर पे कमीशन के बाद उनकी सैलरी बढ़ती है और उन 3.5 करोड़ लोगों की बल्ले ही बल्ले है। उनको कोई दुख और तकलीफ नहीं है। उनमें से आप हैं, उनमें से मैं भी हूं। ये 3.5 करोड़ लोगों का बहुत विकास हुआ है। इतना विकास हुआ है कि आजादी मिलने के समय इन 3.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को 250-300 रुपए की पगार मिलती थी, अब उनको 90,000 रुपए महीने का वेतन हो गया 6th पे कमीशन के बाद। हमारे देश में बैंक के, बीमा के, रेलवे के, पब्लिक सेक्टर के, सरकार के सेक्टर के, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सेक्टर के कुल कर्मचारी 3.5 करोड़ हैं, राष्ट्रपति से लेके और चपरासी तक। इनका ही जिंदाबाद है इस देश में, इनकी ही स्वतंत्रता है, इनको ही आजादी है, बाकी तो सब भुखमरे में है इस देश में। ये जब आंदोलन करते हैं इनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, ये जब आंदोलन करते हैं इनके टीए बढ़ जाते हैं, ये जब आंदोलन करते हैं इनका डीए बढ़ जाता है, ये जब आंदोलन करते हैं इनकी सैलरी डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। सरकार 1 मिनट भी देर नहीं लगाती क्योंकि इन्हीं 3.5 करोड़ों के साथ मिलकर सरकार लूटती है, इसलिए इनको हमेशा खुश रखती है सरकार। इनके लिए 1st पे कमीशन, 2nd पे कमीशन, 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, जरूरत आने पर 7th पे कमीशन भी मिलेगा। हो सकता है तनख्वाहें 1 लाख को भी क्रॉस कर जाएं, इनकी तो जिंदगी एकदम आराम में है। विकास इन्हीं का हुआ है 62 साल में और किसी का नहीं हुआ इस देश में। या पिछले 62 साल में विकास हुआ है तो टाटा, बिरला, डालमिया, धीरूभाई अंबानी, इनका हुआ है। एक मुकेश अंबानी नाम के व्यक्ति हैं इस देश में, उनकी 1 मिनट की आमदनी 20,000 रुपए है। इस हिंदुस्तान के 84 करोड़ लोगों की आमदनी एक दिन की 20 रुपए है। मुकेश अंबानी की 1 मिनट की आमदनी 20,000 रुपए है और ऐसी स्थिति में मुकेश अंबानी जैसे लोग क्या करते हैं? वो अपनी बीबी के जन्मदिन पर हवाई जहाज गिफ्ट कर सकते हैं। ये इस देश में होता है। 268 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीद कर मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी को भेंट में दिया जन्मदिन पर। उस दिन मुझे लगा कि मुकेश अंबानी ने 84 करोड़ भारतवासियों के गाल पर तमाचा मारा, जिनको एक दिन में 20 रुपए नहीं मिलते और यहां एक एक आदमी अपनी बीबी को हवाई जहाज गिफ्ट करता है। उस दिन मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे लगा आजादी मुकेश अंबानी को मिली है, आजादी अनिल अंबानी को मिली है, आजादी टाटा, बिरला, डालमिया को मिली है, आजादी 300 घरानों को मिली है, आजादी 3.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को मिली है जिनको 6th पे कमीशन हो गया है, जिनके टीए डीए बढ़ते जा रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान तो गरीबी में, जला हालत में मरने के लिए बैठा हुआ। तो बाकी सबको जहर या तो ये करें हम, और या अगर हम मानते हैं कि ये सारे हिंदुस्तानी भारत के अंग हैं तो फिर इनके बारे में कब सोचेंगे? 62 साल तो हो गए आजादी के, इनका विकास कब होगा? ये देश की मुख्य धारा में कब शामिल होंगे?
इनके बच्चे कब पढ़ लिख कर आईएएस बनेंगे, इनके बच्चे कब पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, वो भी तो इस देश के नागरिक हैं। संविधान ने उनको भी नागरिक होने का अधिकार दिया है, हम अकेले नागरिक नहीं है, वो भी नागरिक हैं इस देश के। और ऐसी स्थिति में एक ही बात याद आती है कि अंग्रेजों के जमाने में यही किया गया था, अंग्रेजों का विकास हो, अंग्रेजों के नजदीकियों का विकास हो, बाकी हिंदुस्तान गरीबी में डूब जाए, अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। अब आजादी के 62 साल में भी यही है, सरकार का विकास हो, सरकारी कर्मचारियों का विकास हो, नेताओं का विकास हो और उनके नजदीकी लोगों का विकास हो, बाकी हिंदुस्तान डूब जाए जलालत में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में जब अखबारों में खबरें छपती हैं कि वनवासी और आदिवासी समाज के लोग जहरीले पत्ते खाकर मर जाते हैं, इस देश के किसी नेता के पेट का पानी नहीं हिलता, किसी को शर्म नहीं आती अपने ऊपर। ऐसा देश हमने बनाया। अब दुख इसी बात का है कि आजादी के पहले लूट की व्यवस्था, आजादी के बाद भी वही लूट की व्यवस्था। लूट की व्यवस्था में तो गरीबी ही आती है, कोई देश समृद्धशाली नहीं बनता। अब लूटा जा रहा है इस देश को हर साल 20 लाख करोड़ के आसपास, तो गरीबी ही आएगी, भुखमरी ही आएगी, कोई देश समृद्धशाली नहीं बन पाएगा। तब हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आखिर इस देश को हमें क्या करना है, ऐसे ही चलते देना है, ऐसे ही जाते देना है, या इस देश को कहीं ब्रेक लगानी है और ठीक करना है, इसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। हम लोगों को जब ये लगता है कि अब पानी बहुत ज्यादा सिर के ऊपर से निकल रहा है और बर्दाश्त के बाहर हो गया है, इस देश में ऐसी हालत पैदा हो गई है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना होगा, कुछ तो सोचना होगा, नहीं तो हर पीढ़ी ऐसे ही निकलती जाएगी और समय भी हाथ से निकलता जाएगा। तब ये सारे प्रश्नों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने ये भारत स्वाभिमान अभियान बनाया है, इसको शुरू किया है, इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही हैं, लूट पर आधारित हैं, अत्याचार पर आधारित हैं, इस देश के लोगों के शोषण पर आधारित हैं, इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए भारत स्वाभिमान अभियान। आप बोलेंगे क्या हम इन व्यवस्थाओं को बदल पाएंगे? हमारा तो संकल्प है कि हम बदल पाएंगे। अब आपका संकल्प क्या कहता है वो आपको तय करना है। हम तो मानते हैं कि हम बदल पाएंगे, आप भी मानते हैं कि बदल पाएंगे, तो आप हमारे साथ आ जाइए। आपको लगता है कि नहीं बदल पाएंगे तो आप किनारे खड़े होकर देखिए, जब व्यवस्थाएं बदलने लगेंगी तब साथ आ जाइए। हमारे देश में जब 1942 का आंदोलन हुआ भारत छोड़ो, तो गांधी जी से बहुत लोग पूछते थे क्या अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, तो गांधी जी यही कहा करते थे कि तुम साथ में आ जाओगे तो जल्दी छोड़ देंगे, नहीं आओगे तो भी अंग्रेज तो भारत छोड़ेंगे ही, तुम्हें अफसोस होगा कि भारत छोड़वाने में तुम शामिल नहीं थे। वही जवाब हमारा है। अब गांधी जी को अगर इतना आत्मविश्वास था कि अंग्रेजों से भारत हम छुड़ा लेंगे, तो हमको यह विश्वास है कि इन काले अंग्रेजों से भी हम इस भारत को छुड़ा लेंगे। इस व्यवस्था को तो हम बदल ही लेंगे और इसकी शुरुआत हमने की है, पहला कदम हमने उठाया है और वो पहला कदम हमारा यही है कि भारत देश में भ्रष्टाचार की, लूटखोरी की जो व्यवस्था बन गई है, इसको हम पहले ठीक करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं की जड़ यही है, भ्रष्टाचार, लूटखोरी। तो आप बोलेंगे इसको कैसे ठीक करेंगे? इसके कई आयाम हैं ठीक करने के, उसमें से एक आयाम ये है कि हम भारत देश के नेताओं ने और अधिकारियों ने पिछले 62 साल में इस देश को जो लूटा और लूटा हुआ धन जो विदेशी बैंकों में रख दिया है, उस धन के बारे में हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। हमको पता चला कि भारत के नेताओं ने पिछले 62 साल में जो धन लूटा है इस देश में से और विदेशी बैंकों में रखा हुआ है, वो धन बहुत बड़ी राशि है।
स्विट्जरलैंड की 36 बैंकों में ही जो जमा है वो 1,500 अरब डॉलर है। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, स्विट्जरलैंड की बैंकों का जो एसोसिएशन है उनके द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं कि भारत के भ्रष्ट नेताओं का उनके देश में 1500 अरब डॉलर जमा है। एक बार स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति भारत आए थे, उन्होंने दिल्ली में एक व्याख्यान में यह कहा था कि भारत देश को कटोरा लेकर कहीं भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमारे ही देश के बैंकों में भारत के भ्रष्ट नेताओं का इतना पैसा है, अगर इसे भारत वापस मंगा ले तो भारत सोने की चिड़िया तो है, हो जाएगा। खुद उनके प्रेसिडेंट ने कहा दिल्ली में आके, तब से हमारे कान खुले और आंखें खुली कि स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है। फिर खोजते गए तो पता चला वहां खाते हैं नेताओं के, अधिकारियों के, उन खातों में 1500 अरब डॉलर है, अगर इसको रुपए में बांट दिया जाए तो ये धन 75 लाख करोड़ रुपए है, 75 लाख करोड़ रुपए का मतलब समझते हैं, भारत सरकार की कम से कम 10 पंचवार्षिक योजनाएं इसमें चल जाएंगी, इतना धन है। 50 साल इस देश के विकास का काम हो जाए, इतना धन है। यह धन सारा हमारे देश से लूटकर विदेशों में जमा किया गया। और अभी थोड़े दिन से और एक जानकारी मिली, वो ये कि स्विट्जरलैंड के अलावा दुनिया में कुछ और देश हैं, जैसे छोटे छोटे देश हैं, एक पनामा नाम का देश है, बहुत छोटा सा देश है, वो टैक्स हेवन कंट्री है, वहां टैक्स नहीं है इसलिए सारा काला धन लोग वहां जमा करते हैं। एक छोटा सा देश है उसका नाम है गिनी बिसाऊ, एक छोटा सा देश है उसका नाम है लीचेस्टन, एक छोटा सा देश है उसका नाम है ट्रिनिडॉड, एक छोटा सा देश है उसका नाम है टोबैगो, ऐसे छोटे छोटे कई देश हैं, वहां भी भारतवासियों का धन जमा है और वो 35 लाख करोड़, माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपए इस देश की लूट का धन विदेशी बैंकों में है। भारत स्वाभिमान की तरफ से हम पहला काम जो करने जा रहे हैं वो यही है कि ये जो विदेशी बैंकों में रखा हुआ 110 लाख करोड़ का धन है, ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और हर हालत में इसे भारत वापस लाना ही होगा। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? हाँ ये संभव है। कैसे संभव है? ये धन वापस लाना 4 तरीकों से संभव है। पहला तरीका ये है कि भारत की संसद इसके लिए कानून बनाए, कानून बनने के पहले संसद में प्रस्ताव पारित हो और वो एक लाइन का प्रस्ताव हो कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितना पैसा भारत के बाहर गया वो सारा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, ये प्रस्ताव संसद में आए, इसके लिए हम रात दिन इस समय प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन संसद में ये प्रस्ताव आएगा इस पर बहस होगी और बहस टेलीविजन पर डायरेक्ट टेलीकास्ट होगी, उस दिन आप जरूर देखना। क्या देखना? कि कौन कौन नेता इसका विरोध कर रहा है। जब आप ये देखोगे कि कौन कौन विरोध कर रहा है तो पक्की बात है हरामी वही है और पैसा उसी का स्विस बैंक में। अब ये प्रस्ताव जब आएगा तो कुछ विरोध करेंगे ये पक्का है, कुछ हो सकता है समर्थन करें। हमारे संसद का नियम ये है कि जो मेजोरिटी कहे वही होगा, हो सकता है मेजोरिटी सांसद विरोध करें इसका और बहुत थोड़े से सांसद इसको समर्थन करें, यह भी हो सकता है सबके सब विरोध करें, कोई इसका समर्थन ना करे, ये हो सकता है, हमें इसका अंदाजा है। लेकिन फिर भी ये प्रस्ताव हम लाना चाहते हैं ताकि पूरा देश अपनी आंखों से देखे कि हरामखोर कौन कौन वहां बैठा हुआ है। एक बार देश को ये अंदाजा लग गया कि कौन कौन हरामखोर वहां बैठा हुआ है
तब हम दूसरा स्टेप उठाने की तैयारी करेंगे। और हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि हम हिंदुस्तान की संसद को बदल देंगे फिर। और संसद को कैसे बदलेंगे, जो जो नेता इसका विरोध करेंगे उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर हम उनकी पोल खोलेंगे और जनता से अपील करेंगे कि इनके स्थान पर किसी दूसरे आदमी को चुनकर दो जो संसद में जाकर इस प्रस्ताव का समर्थन करे और प्रस्ताव कानून में बदले। माने संसद में हम 350 से 400 एमपीज को जिताकर लाएंगे इस अकेले मुद्दे पर पूरे देश। और निश्चित रूप से ये लोग जो जीत कर आएंगे ये इन हरामखोर नेताओं में से नहीं होंगे, ये पक्का। हम इस देश के ईमानदार, चरित्रवान और इस देश के पारदर्शी लोग जो अपने अपने क्षेत्र के कोई बड़े विशेषज्ञ हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई मैनेजर, कोई बहुत अच्छा किसान, कोई बहुत अच्छा कारीगर, कोई बहुत अच्छा शिक्षक, ऐसे लोगों में से चुनकर लाएंगे। आप बोलेंगे जनता इनको वोट देगी, हमको विश्वास है देगी, क्योंकि जनता तो अभी भी हमको यही कहती है आप तो जल्दी से यही काम करो, हम तो इन्हीं को वोट देकर भेज देंगे ताकि जिंदगी भर की जलालत तो खत्म हो हमारी, ये पैसा तो आ जाए। जनता तो तैयार बैठी करने की देर। तो हमारा संकल्प तो इतना बड़ा है कि अगर वर्तमान संसद के नेताओं ने नहीं किया तो नई संसद बनाएंगे, और विधानसभाओं ने कोई रास्ते में रोड़ा अटकाया तो विधानसभाएं भी नई बनाएंगे, और एकदम पूरे देश में नए नेताओं को स्थापित करेंगे जो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम से अभिभूत हों। और हम तो ऐसे लोगों की खोज करेंगे जिन्होंने कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को भारत की आजादी की लड़ाई में खोया है, ऐसे लोगों को सबसे आगे हम रखेंगे, क्योंकि पहला अधिकार उन्हीं का है इस देश की आजादी। दूसरा कदम हमारा ये होगा। तीसरा और एक कदम हम उठा सकते हैं, वो भी हमारे हाथ में है। एक बार इस देश में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, आपको याद होगा, यूरिया घोटाला। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 133 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया यूरिया लाने के लिए, लेकिन यूरिया नहीं आया, पैसे चले गए, यूरिया नहीं आया। उसकी जांच हुई, जांच में पता चला कि वो 133 करोड़ रुपए नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हुए और वो स्विट्जरलैंड में जमा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाकर इस मामले में फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 133 करोड़ रुपए जो बाहर गए हैं वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, और जिस व्यक्ति के खजाने में ये पैसे हैं उसको अब जेल में जाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के बेटे को जेल में डाल दिया और अभी तक वो जेल में है। और 133 करोड़ रुपए जो खाते में जमा था वो भारत में वापस आ गया। अब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर एक ही फरियाद करेंगे कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, बोफोर्स घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, गेहूं घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, अलकतरा घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, सभी घोटालों का आ सकता है, क्योंकि घोटाले तो सब एक जैसे हैं, पैसा सबका राष्ट्र की संपत्ति है। और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करेगा तो स्विट्जरलैंड से ये पैसा 110 लाख करोड़ आ जाएगा। और एक रास्ता है हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय अदालत में हम स्विट्जरलैंड के खिलाफ केस कर सकते हैं इस मामले में। और अंतरराष्ट्रीय अदालत में स्विट्जरलैंड के खिलाफ अगर हम केस करें तो 50 दूसरे देश भी तैयार हैं मुकदमा करने को, क्योंकि उनके देशों का भी पैसा स्विस बैंकों में है। और हम उसमें जीत सकते हैं और ये पैसा हम वापस ला सकते हैं। अभी मैं आपको एक ठोस बात कहता हूं, वो ये कि अमेरिका ने अभी थोड़े दिन पहले ऐसा ही किया है। अमेरिका में एक बराक ओबामा नाम का राष्ट्रपति आया, पहली बार एक काला आदमी अमेरिका में राष्ट्रपति बना,
गोरे लोगों के देश में काला आदमी राष्ट्रपति बनना आसान बात नहीं है। गोरे लोगों का वोट 85% है, काले लोगों का वोट 15% है, फिर भी बराक ओबामा जीतकर राष्ट्रपति बना। कैसे बना? बराक ओबामा ने अमरीकी लोगों को एक संकल्प कराया था और उसने ये कहा था कि मैं राष्ट्रपति बनने के बाद पहला काम क्या करूंगा। तो उसने कहा था कि स्विस बैंक में जो अमेरिका के लोगों का पैसा जमा है वो वापस लाऊंगा, इसलिए मुझे राष्ट्रपति बनाओ। तो अमेरिका के लोगों ने हिलेरी क्लिंटन को हरा के उसको लाया, जबकि हिलेरी क्लिंटन मूलतः अमेरिका की है और गोरी महिला है और ये मूलतः कीनिया का है और काला आदमी है, फिर भी अमरीकियों ने इसको जिताया। क्योंकि हिलेरी क्लिंटन ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया कि मैं स्विस बैंक का पैसा लाऊंगी, बराक ओबामा ने किया। लोगों ने इतने वोट दिए उसको कि 250 साल का रिकॉर्ड टूट गया अमेरिका में, और उस आदमी ने भी वायदा निभाया। राष्ट्रपति बनने के 15 दिन के अंदर उसने ये कानून बनाया अमेरिका, और अमेरिकी संसद से यह कानून उसने पास कराया कि स्विस बैंकों में जो धन अमेरिका का है वो अमेरिका की राष्ट्रीय संपत्ति है। कानून पास हुआ, उसके बाद स्विट्जरलैंड के लिए वो भेजा गया। अमेरिका के अधिकारी जब स्विट्जरलैंड गए तो वो कॉपी उनको दी अमेरिकन पार्लियामेंट के कानून की। स्विट्जरलैंड की सरकार ने 15 दिन के अंदर अमेरिका के सारे खातों से पैसा निकालकर $470 अरब बराक ओबामा को वापस दे दिया। 4,490 खाते मिले अमेरिका के भ्रष्ट नेताओं के स्विस बैंकों में। अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है लेकिन ऊपर के स्तर पर है। उन्होंने अपना काम कर लिया और बराक ओबामा ने वो $470 अरब स्विट्जरलैंड से वापस ले लिया। अब बराक ओबामा अगर ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अमेरिका 30 करोड़ का देश है, भारत 115 करोड़ का देश है, हम भी ये कर सकते हैं। और स्विट्जरलैंड की सरकार ने अगर अमेरिका को पैसा वापस किया है तो हमको क्यों नहीं करेंगे? हमको भी करेंगे। तो इसलिए हमें आत्मविश्वास है कि ये पैसा हम वापस लाएंगे, आज नहीं तो कल, ये आने वाला है। फिर आप बोलेंगे और क्या करना चाहते हैं? एक तरफ तो हम ये पैसा वापस लाएंगे, दूसरी तरफ हम ऐसे कानून बनाना चाहते हैं कि अगली बार ये पैसा कभी बाहर जाए ही नहीं, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। ये ले जाने वाले जो लोग हैं भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी करने वाले, इनके लिए कानून हम बनवाना चाहते हैं। संसद अगर हमारी बनेगी तो कानून हम ये बनवाएंगे और वो कानून ये होगा कि जब भी कोई आदमी इस देश में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में पकड़ा गया और अपराध उसका सिद्ध हो गया तो पकड़े जाने के 3 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा, इससे कम नहीं। और वो फांसी की सजा जेल के अंदर तहखाने में नहीं दी जाएगी, भीड़ भरे चौराहे पर जहां लोग देखें उसको, और लोग देखें तो उनको पता चले कि भ्रष्टाचार करने का ये अंजाम होता है कि चौराहे पर आपको फांसी दे दी जाएगी। जब ये डर बैठेगा लोगों के मन में तब भ्रष्टाचार इस देश में रुकेगा और उस पर कंट्रोल लगेगा। जब तक सख्त कानून नहीं बनाएंगे भ्रष्टाचार ना रुकेगा ना उस पर अंकुश लगेगा। ये दूसरी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। आप ये पूछेंगे कि ये धन आ गया 110 लाख करोड़ फिर करेंगे क्या? इस धन का सबसे पहले हम उपयोग करना चाहते हैं गांव के लिए। 6,35,365 गांव हैं जहां कोई भी विकास का काम नहीं हुआ आजादी के 62 साल। बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सारे गांव वंचित हैं विकास से। रोजगार का साधन नहीं है, उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, इसलिए गांव से लोग भाग भाग कर शहरों में आते हैं और शहरों की झुग्गी झोंपड़ियों की संख्या बढ़ाते हैं। भोपाल जैसे जो शहर हैं
वहां की 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ियों में है। ये सब गांव से भागे हुए लोग हैं जिनको अपने गांव में कोई रोजगार नहीं मिलता, वो भोपाल आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, मद्रास चले जाते हैं, कहां जाएं, क्या करें। हम चाहते हैं कि हर भारतवासी को जहां वो जन्म लेता है, जहां वो बड़ा होता है, वहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसको रोजगार के लिए भागने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे रोजगार हम गांव गांव में देना चाहें। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? संभव है। इसका हमने बहुत अध्ययन किया, पता चला कि 100 उद्योग ऐसे हैं जो हर गांव में लग सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में 2,00,000 गांव हैं जहां कपास पैदा होती है, और जिन गांव में कपास पैदा होती है वहां चरखा चलाकर सूत बनाया जा सकता है, और सूत से खादी का कपड़ा बनाया जा सकता है, और वो खादी का कपड़ा शहरों में बेचने के केंद्र शुरू किए जा सकते हैं। तो गांव में खादी बने और शहरों में खादी बिके, 2,00,000 गांव में हम ये रोजगार दे सकते हैं। उसका भी हमने काफी हिसाब जोड़ा कि चरखा चलाता है कोई आदमी एक दिन में 8 घंटे, तो एक दिन की कमाई कम से कम उसकी 150 से 200 रुपए के आसपास होती है अगर 8 घंटे चरखा चलाए, और एक परिवार के 5 सदस्य 8 घंटे चरखा चलाएं तो परिवार की एक दिन की आमदनी 1,000 रुपए होती है। अच्छा रोजगार है ये खादी का, और ये रोजगार कोई मेरा आपका नहीं है, महात्मा गांधी के जमाने का है। वो बोल कर गए थे कि भारत के गांव गांव में खादी का निर्माण हो और शहरों में खादी की बिक्री हो तो बेरोजगारी और गरीबी दोनों इस देश से मिट सकती। हमने हिसाब निकाला कि खादी के उत्पादन में और व्यापार में 15 करोड़ भारतवासियों को रोजगार दिया जा सकता है 2,00,000 गांव में। फिर एक ऐसे ही दूसरा उद्योग है, वो तेल का है। हम सरसों का तेल खाते हैं, नारियल का खाते हैं, तिल का तेल खाते हैं, हर व्यक्ति को तेल खाने के लिए लगता है, और इस देश में तेल हर गांव में बन सकता है, क्योंकि जहां सरसों होती है वहां सरसों का तेल हो सकता है, जहां तिल पैदा होता है वहां तिल का हो सकता है, जहां नारियल पैदा होता है वहां नारियल का हो सकता है। भारत में 56,000 करोड़ रुपए का तेल हर साल बिकता है। ये गांव गांव से पैदा होकर शहर में अगर बिके तो कम से कम 1 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार हम दे सकते हैं। तेल निकालना, डब्बे में भरना, शहर में लाके बेचना, इतना सा काम। ऐसे ही भारत में 90,000 गांव हैं जहां आलू पैदा होता है और आलू से चिप्स बनता है, और वो चिप्स बाजार में 400 रुपए का 1 किलो बिकता है। आपने देखा है रफल्स, हॉस्टेस, वो पैकेट जो है ना चिप्स का, मैंने उसका हिसाब निकाला, 400 रुपए किलो है और आलू 10 रुपए किलो है। तो जिन 90,000 गांव में आलू पैदा हो रहा है, हम उनको कहेंगे आलू बेचो ही मत, चिप्स बना के बेचो। उनका 400 रुपए किलो बिक सकता है तो हमारा 50 रुपए किलो तो बिकेगा, 60 रुपए किलो तो बिकेगा। और चिप्स बनाना इतना आसान काम है कि गांव की हर माँ, हर बेटी, हर बहन ये उद्योग में लग सकती है और हजारों, लाखों, करोड़ों परिवारों को काम मिलता है। भारत में करीब 65,000 गांव हैं जहां टमाटर पैदा होता है और टमाटर की चटनी बन सकती है हर गांव में, और वो टमाटर की चटनी बोतल में भर के 200 रुपए किलो शहर में बिकती है। टमाटर 20 रुपए किलो, टमाटर की चटनी 200 रुपए किलो। हम किसानों को कहेंगे टमाटर बेचो ही मत, चटनी बनाओ, चटनी बेचो 200 रुपए किलो की। मतलब सीधा है, कच्चा माल मत बेचो, उसको पक्का माल बना के गांव से बाहर भेजो। टमाटर की चटनी गांव गांव बन सकती है। इसी तरह गेहूं पैदा होता है भारत के 2,50,000 गांव में, तो हम किसानों को कहेंगे गेहूं बेचोगे 11 रुपए किलो जाएगा, और गेहूं का आटा 26 रुपए किलो जाता है, तो गेहूं बेचो ही मत, आटा बनाओ, पैकेट में बांधो और शहरों में बेचो। जिनको झक मार के खरीदना है खरीदें, गेहूं बेचो ही मत, आटा बेचो, 26 रुपए किलो का बिकता। और शहरों में भी अब ऐसे लोग हैं जिनको आटा ही चाहिए,
गेहूं कौन लाए, कौन उसको साफ करे, कौन उसको बीने, कौन उसको धोए, कौन उसको सुखाए। हम में आलस इतना आ गया है तो सबको बना बनाया आटा चाहिए, तो उनके लिए बना बनाया आटा गांव से आएगा, पैकेट बंद होके बिक जाएगा। हम तो कुछ और व्यवस्था चाहते कि वो आटा हाथ वाली चक्की से बने, हाँ, ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अभी ये जो मशीन वाली चक्की का आटा है ना, इसमें तो सब जल जाता है, क्योंकि आटा बनाते समय तापमान बहुत ज्यादा होता है, पौष्टिकता सब खत्म हो जाती है। हाथ वाली चक्की से धीरे धीरे पिसाई होती है, उस आटे की सारी गुणवत्ता बरकरार रहती है, और जो पीसने वाला है उसका वजन भी कम होता रहता है। 2-in-1 हुआ कि नहीं? हम तो एक अभियान चलाने वाले हैं कि जिस जिसके पेट बाहर निकले हैं वो हमारे साथ आओ, गांव की चक्की पर आटा बनाओ, आपको रोजगार भी मिलेगा, पेट भी आपका अंदर चला जाए। ऐसे ही इस देश में सभी तरह के मसाले गांव में पैदा होते हैं, जीरा है, धनिया है, मिर्ची है, हल्दी है, नमक है, सब तरह के मसाले, उनको साफ करके पैकिंग गांव में हो, शहरों में आकर बिके। तो ऐसे 100 तरह के उद्योग सब गांव में हो सकते हैं, और हमारी कैलकुलेशन है 60 करोड़ लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। अब बस देर किस बात की है कि स्विस बैंकों का पैसा जितनी जल्दी आ जाए तुरंत हम ये योजना लागू कर दें, क्योंकि इस योजना के लिए पूंजी की जरूरत है, वो वहीं से पूरी होगी। और हमने ये भी जोड़ा कि ये सारा काम कर देने के बाद, रोजगार सबको दे देने के बाद भी बहुत पैसा बचेगा, क्योंकि 6,35,365 गांव में 100-100 उद्योग अगर हम लगाते हैं, उसका सारा कैलकुलेशन किया, मुश्किल से 15-20 लाख करोड़ में ये हो जाएगा, मुश्किल से। फिर बचे पैसे का हम क्या करेंगे? दूसरा काम हम बिजली देने का करेंगे, गांव गांव में बिजली होनी चाहिए, और छोटे छोटे पावर स्टेशन हम बनाना चाहते हैं, 1-1 मेगावाट के छोटे पावर स्टेशन, एक पावर स्टेशन से 10 गांव की बिजली की सप्लाई हो जाए, इतने छोटे पावर स्टेशन। एक पावर स्टेशन 1 मेगावाट का 4.5 करोड़ में बनता है, 1 लाख पावर स्टेशन बनाए तो 4.5 लाख करोड़ का खर्चा है, उतने में हर गांव को बिजली मिल जाएगी। आप बोलेंगे हम छोटे पावर स्टेशन क्यों बनाना चाहते हैं? बात ऐसी है कि अभी जो पावर स्टेशन है बिजली के केंद्र, वो 1,000 मेगावाट के, 1,500 मेगावाट के हैं, उनमें जो बिजली पैदा होती है 13,000-14,000 वोल्टेज की होती है, 11,000 वोल्टेज की होती है। अब वो बिजली घर में तो हम जला नहीं सकते, घर में जलने वाली बिजली 110 वोल्ट की होती है, और बड़े पावर स्टेशन में 13,000 वोल्ट की पैदा होती है, उस बिजली को नीचे गिराना पड़ता है, जिसको स्टेप डाउन कहते हैं, उसमें हजारों लाखों यूनिट बिजली फालतू खर्च करनी पड़ती है, तब घर में 110 वोल्ट मिलती है। हमारा ये कहना है कि पावर स्टेशन छोटा बनाओ, 110 वोल्ट की ही बिजली पैदा करो, तो ये फालतू खराब ना करनी पड़े और घर घर में उसका इस्तेमाल हो जाए। और आप जानते हैं बिजली एक ऐसी उत्पाद है जो जहां बनती है वहीं खर्च होनी चाहिए, वो जितना ज्यादा दूर जाएगी ट्रांसमिशन लॉस उतना ही उसमें होता चला जाए। अभी क्या भारत में होता है, बिजली बंबई में बनती है, भोपाल में जलती है, तो बंबई से भोपाल आने में जो लॉस हो जाता है वो बेकार। हमारे देश में बिजली का 35% लॉस है ट्रांसमिशन में, ये हम खत्म करना चाहते हैं। घर की बिजली 110 वोल्ट की छोटे पावर स्टेशन में बने, उद्योगों की बिजली बड़े वोल्ट की बड़े पावर स्टेशन में बने, रेलवे लाइन की बिजली 11,000 वोल्ट की है तो वो और बड़े पावर स्टेशन में बने, 3 स्टेप में पावर स्टेशन हम बनाएं, एक 110-200 वोल्ट के, दूसरे 500-700 वोल्ट के, और फिर उसके बाद हजारों में। तो इसमें बिजली की बचत होगी, उतना ही उत्पादन बढ़ेगा और बिजली का कॉस्ट कम हो जाएगा, और हर गांव को जलने के लिए बिजली मिल जाएगी, 24 घंटे मिल जाएगी, 1 मिनट भी बत्ती नहीं जाएगी, और इतना खरने में सिर्फ 4.5 लाख करोड़ का खर्च आएगा, उसके बाद भी पैसे बचेंगे हमारे पास। तो हम गांव की सड़क बनवाएंगे,
गांव की सड़क बनाने के बाद बचेंगे तो अस्पताल खुलवाएंगे, डॉक्टर, हॉस्पिटल, फिर पैसे बचेंगे तो विद्यालय, कॉलेज, और ये सब होने के बाद भी 60 लाख करोड़ बचेंगे, ये सब हो जाने के बाद फिर हमको समझ में नहीं आएगा करें क्या, सब काम खत्म हो गया, अब कुछ बाकी ही नहीं है तो क्या करें। तो हम तो आराम की जिंदगी बिताएंगे, कुछ करने को ही नहीं है तो ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, और क्या करेंगे। और जो बचा हुआ धन है 60 लाख करोड़ का, वो भारत माता के नाम से एक फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे और उसका एक साल का 10% का ब्याज अगर जोड़ लें तो 6 लाख करोड़ रुपए सालाना ब्याज मिलेगा। उतने पैसे से देश का काम अनंत काल तक चलता ही रहेगा, आराम से ये देश चलेगा, कोई तकलीफ किसी को होने की जरूरत नहीं। मैंने तो एक दिन हिसाब लगाया कि अगर 6 लाख करोड़ सालाना ब्याज मिलता है तो हमको तो टैक्स लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स में सरकार 6.25 लाख करोड़ हमसे लेती है, हमको उतना ही पैसा ब्याज से मिल जाएगा, टैक्स लेने की जरूरत नहीं। तो पूरे देश का टैक्स खत्म कर देंगे, इनकम टैक्स खत्म, वैल्यू एडेड टैक्स खत्म, सेंट्रल एक्साइज टैक्स खत्म, टोल टैक्स खत्म, रोड टैक्स खत्म, ऑक्ट्रॉय, सब टैक्स खत्म, कोई टैक्स लेना ही नहीं, शून्य टैक्स कर देंगे, 0 टैक्स पूरे देश। आप बोलेंगे जब 0 टैक्स होगा तो क्या फायदा, सबसे बड़ा फायदा कि महंगाई तुरंत नीचे आ जाएगी। आपको मैं एक सपना दिखाता हूं, जो आज सपना है कल हकीकत होगा। वो सपना ये है कि सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो 1 लीटर पेट्रोल आपको 12 रुपए का मिलेगा, जो अभी 50 रुपए का है। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो 1 लीटर डीजल आपको 7.5 रुपए का मिलेगा, जो अभी 35 रुपए का है। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो रसोई गैस का एक सिलेंडर 45 रुपए का मिलेगा, जो अभी 300 रुपए का है, 400 का। सारे टैक्स अगर खत्म हो जाएं तो आपको दाल जो 90 रुपए किलो की है वो 12-15 रुपए किलो में आराम से मिलेगी। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो नमक आपको जो अभी 7-8 रुपए किलो में मिलता है वो 15 पैसे किलो में मिलेगा। सारे टैक्स अगर खत्म हो जाएं इस देश के तो आपका बेटा या बेटी आईआईटी में इंजीनियर बनने जाए तो 5 साल का खर्चा मुश्किल से 25,000 रुपए आएगा। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो आपका बेटा या बेटी एमबीबीएस करना चाहे तो 35-40 हजार में वो 5 साल की डॉक्टरी पढ़ के निकल आएगा। शिक्षा सस्ती, वस्तुएं सस्ती, आना जाना सस्ता। अभी आप भोपाल से दिल्ली जाते हैं 350 का टिकट है, 40-50 रुपए में दिल्ली चले जाएंगे आप। और दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है और वापस दिल्ली आना है, 7,000 रुपए में आने जाने का टिकट बन जाएगा आपका, जो इस समय लगभग 76-80 हजार तक आता है। सारी महंगाई खत्म, हर चीज सस्ती, तो गरीबों को भी इस देश में रास्ता खुलेगा जिंदगी बिताने का, अपनी तमन्नाएं पूरी करने का, अपने शौक पूरे करने का, जो अभी टैक्स के कारण, महंगाई के कारण वो कर नहीं पाते। तो एक तरफ हम रोजगार देना चाहते हैं, दूसरी तरफ महंगाई खत्म कर देना चाहते हैं। और एक काम हम करना चाहते हैं वो ये कि जो पैसा हम लाएंगे स्विस बैंकों से और विदेशी बैंकों से, अगर देश के लोगों ने हमें थोड़ी भी सहयोग किया तो क्या होने वाला है, हम टैक्स खत्म करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि देखो इनकम टैक्स खत्म कर रहे हैं, आप सारा ब्लैक मनी बाहर लाओ। इस देश के लोगों ने लाखों करोड़ रुपए का ब्लैक मनी छुपा के रखा हुआ है, आपको मालूम है, वो इनकम टैक्स के डर के कारण। एक बार मैंने भारत सरकार के रिजर्व बैंक से पूछा था कि कितना ब्लैक मनी है भारत में, तो उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 36 लाख करोड़ का है। ये काला धन है जो छुपा पड़ा है लोगों के घर में, इसको हम बाहर लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? भारत का विकास करने के लिए हमें किसी भी देश के सामने कर्ज ना लेना पड़े, भीख ना मांगनी पड़े, उसके लिए इस पैसे का हम उपयोग कर सकते हैं। इनकम टैक्स आप हटा दीजिए, सारा मनी बाहर आ जाए,
और 36 लाख करोड़ अगर एक झटके में बाहर आता है तो इस पैसे से एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। हम भारत का कर्ज चुका सकते हैं जो विदेशों से हमने लिया हुआ है, और कर्ज चुकाने के बाद हमारे पास 18 लाख करोड़ बचेगा। 18 लाख करोड़ का कर्ज है, पूरा कर्ज चुका दें तो 18 लाख करोड़ बचेगा, उसको 60 लाख करोड़ में जोड़कर फिक्स डिपॉजिट में डाल दें तो ब्याज का पैसा ज्यादा ही आने वाला है। और एक बार में भारत का कर्ज हम चुका दें तो हर साल का जो ब्याज देना पड़ता है 2.5 लाख करोड़ वो बच जाएगा, और कर्ज चुकाने के बाद एक क्रांति होगी इस देश में। वो क्या होगी कि जैसे ही भारत अपना कर्ज पूरा करेगा तो भारत का रुपया और अमेरिका का डॉलर दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी अमेरिका का एक डॉलर भारत के 50 रुपए के बराबर है, क्योंकि हमने कर्ज ले रखा है। जिस दिन कर्ज वापस करेंगे एक रुपया एक डॉलर हो जाएगा। जब एक रुपया एक डॉलर हो जाएगा तो जो चीजें हम अमेरिका को बेचेंगे उसमें हमारी आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी, माने एक्सपोर्ट इनकम, निर्यात की आमदनी 50 गुनी बढ़ेगी और आयात का खर्चा 50 गुना घटेगा। जो आयात करेंगे वो 50 गुना सस्ता, जो निर्यात करेंगे वो 50 गुना महंगा, माने देश के लिए डॉलर की इतनी बरसात होगी कि आप सोच नहीं सकते। अंधाधुंध डॉलर आएगा देश में, और जब डॉलर देश में आएगा तो पता ही क्या होगा, जितने भारतवासी अमेरिका जाकर बस गए हैं ये सब भागकर भारत में वापस आएंगे। ये अमेरिका क्यों गए हैं? क्योंकि एक डॉलर 50 रुपया है इसलिए गए हैं, फिर एक डॉलर एक रुपया हो गया झक मार के वापस आ जाएंगे, वहां क्या करेंगे। और ये अगर भारत आ गए तो ये 2 करोड़ हैं जिनको एनआरआईज कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, ये भारत का बेस्ट ब्रेन है। ये वापस अगर आ गया और यही ब्रेन भारत के विकास के काम में अगर लग गया तो इस देश को दुनिया में कोई नहीं रोक सकेगा, हम अमेरिका से भी आगे जाएंगे। और एक काम हम करना चाहते हैं वो ये कि हमारे देश में आजकल 1,000, 500 और 100 के नोट बहुत ज्यादा चलते हैं, 50, 20, 10 के नोट बहुत कम है। कुल करेंसी का 85% 1,000, 500, 100 के नोट है और 15% छोटे नोट है। परिणाम उसका यह है कि पाकिस्तान जाली नोट बना के भारत में डालता रहता है। हर साल पाकिस्तान से 18-20 हजार करोड़ के जाली नोट आते हैं, 1,000 के, 500 के, 100 के, और वो भारत में मिला देते हैं, माने हर साल 15-20% नकली करेंसी आ जाती है इस देश। वो हमारा सिर दर्द है। हमने उसके लिए एक योजना बनाई है कि पाकिस्तान ये जाली नोट डाल के जो भारत में बर्बादी लाना चाहता है, हम पाकिस्तान का इरादा पूरा नहीं होने देंगे। हम क्या करना चाहते हैं, 1,000, 500 और 100 के नोट ही खत्म करना चाहते हैं, रखना ही नहीं है नोट। आप बोलेंगे क्यों? कारण उसका यह है कि इस देश में 84 करोड़ लोगों को तो एक दिन में 20 रुपया मिलता है खर्च करने के लिए, उनको 1,000 के नोट की जरूरत क्या, 500 के नोट की जरूरत क्या, 100 के नोट की जरूरत क्या, उनको तो 20 का नोट चाहिए। इसका माने 70% नोट तो छोटे होने चाहिए, तो छोटे नोट ज्यादा, और बड़े नोट बंद कर दो 1,000, 500, 100, उनके बदले में सबको 50 के नोट दे दो, तो पाकिस्तान देखें क्या करेगा। पाकिस्तान की एक समस्या है कि वो 1,000, 500, 100 के नोट तो छाप के डाल देता है, 50 का नोट नहीं डाल सकता। क्यों? 50 का नोट छापना बहुत महंगा पड़ता है, 50 का नोट छापने में 53 रुपया खर्च हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले एक पाकिस्तानी एजेंट पकड़ा गया इस देश में, सीबीआई ने उसको गिरफ्तार करके जब इंक्वायरी की और उससे पूछा कि तुम बड़े नोट क्यों लाते हो 1,000, 500, 100 के, 50 का क्यों नहीं लाते, तो उसने कहा कि पाकिस्तान सरकार को 50 का नोट छापने में 53 रुपया खर्च हो जाता है, घाटा है इसलिए नहीं लाते, और 20 का नोट छापने में 25 खर्च हो जाता है, 10 का नोट छापने में 15 खर्च हो जाता है, 1 का नोट छापने में 2 रुपए खर्च हो जाते हैं,
पांच का नोट छापने में 10 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो हम छोटे नोट नहीं छाप सकते, हमको ही घाटा है, तो बड़े नोट बंद कर दो, छोटे ही नोट चलने दो। तो एक फायदा और होगा, जब 50 से ऊपर का नोट नहीं होगा फिर हम देखेंगे कि कौन माई का लाल 10 करोड़ की रिश्वत देने की तैयारी करता है। अभी तो 10 करोड़ की रिश्वत देनी है, ब्रीफ केस में भर के ले जाते हैं, दे आते हैं, 1000 के नोट है, फिर 50-50 के नोट रहेंगे, तो 10 करोड़ की रिश्वत देने के लिए एक ट्रक भर के नोट लेके जाना पड़ेगा। देखें कौन ट्रक लेके जाता है और कौन ट्रक रिसीव करता है, रखेगा कहां कोई अपने घर में। माना भ्रष्टाचार घोटाला अपने आप कम, नकली करेंसी का खतरा खत्म, बड़े नोटों की छपाई बंद। आपको मालूम है अमेरिका में $100 से ऊपर का नोट नहीं है। अमेरिकन इकोनॉमी में हाईएस्ट डिनोमिनेशन जो है ना वो $100 का है, इससे ऊपर का नोट नहीं बनाया उन्होंने। क्यों? वो भी कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ता है उससे। फ्रांस में यूरो डॉलर चलता है, 100 के ऊपर का नोट नहीं है यूरो का, मैक्सिमम 100 है। तो ये लोग मूर्ख नहीं है जो 100 से ऊपर के नोट नहीं बनाते, उनको मालूम है घोटाला भ्रष्टाचार कंट्रोल रहता है इससे, इसलिए उन देशों में घूसखोरी रिश्वतखोरी बहुत कम। ये तो हमने मूर्खता करके 1000-1000 के नोट बनाना शुरू कर दिया, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो ऐसे हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं अर्थव्यवस्था में, और एक परिवर्तन करना चाहते हैं हम इस देश की न्याय व्यवस्था में। हमारे यहां अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब अंग्रेजों के हैं। इनके आधार पर न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि ये अन्याय करने के लिए बनाए गए थे सारे कानून। ये कानून ऐसे गोल गोल जलेबी की तरह से हैं जिनको आप कभी पढ़कर समझ ही नहीं सकते, न्याय कहां मिलेगा। और कारण इसका यही है कि इन कानूनों का इंटरप्रिटेशन करने के लिए बड़े बड़े वकील लगते हैं अदालत में। मैं वादी और दूसरा प्रतिवादी, हमको वकील की जरूरत क्यों होनी चाहिए? मैं सीधे मेरी बात कहूं अदालत में, प्रतिवादी अपनी बात कहे, फैसला आना चाहिए। लेकिन ये कानून जो गोल गोल जलेबी की तरह से बनाए गए हैं, इनके घन चक्कर में वकील लगते हैं हमको, और वकील अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। वकीलों को कभी यह दिल में ही नहीं आता कि मुकदमे का फैसला जल्दी हो जाए, वो कहते हैं तारीख पर तारीख पड़ती जाए, हमारी जेब गर्म होती जाए। अन्याय है, न्याय नहीं। और सबसे बड़ा अन्याय यह है कि मुकदमे का फैसला 20-20 साल नहीं आता, 25-25 साल नहीं आता, 30-30 साल नहीं आता, वादी मर जाता है, प्रतिवादी मर जाता है, मुकदमा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हमारे देश की अदालतों में 3.5 करोड़ मुकदमे इस समय चल रहे हैं, एक वादी एक प्रतिवादी, तो 7 करोड़ हिंदुस्तानी चप्पलें रगड़ रहे हैं न्याय के लिए, लेकिन फैसले नहीं आ रहे। हमारे एक चीफ जस्टिस हुए इस देश में, उन्होंने एक दिन कहा कि ये 3.5 करोड़ मुकदमों को अंग्रेजी न्याय व्यवस्था से, आईपीसी सीआरपीसी से अगर हम हल करेंगे तो 300 साल में ये मुकदमे फैसले दे पाएंगे। अब 300 साल तक कौन इंतजार करेगा, वादी की प्रतिवादी? हमें ये नहीं चाहिए न्याय व्यवस्था, हमको ऐसी न्याय व्यवस्था चाहिए जो अंग्रेजों के पहले इस देश में थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक राजा था इस देश में, उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बड़ा न्यायप्रिय राजा था। उसकी अदालत में एक मुकदमा आया, दो माताएं थी एक बेटा था, एक माँ कहती थी बेटा मेरा, दूसरी माँ कहती थी बेटा मेरा, दोनों लड़ रही थी। राजा के सामने मुकदमा था कि बताओ असली माँ कौन है, तो राजा ने कहा तलवार ले आओ, बच्चे को आधा आधा काट दो, आधा एक माँ को दे दो आधा दूसरी माँ को दे दो। तो तलवार आ गई, बच्चे को काटने के लिए जैसे ही तलवार उठाई राजा ने, असली माँ चिल्लाने लगी, नहीं नहीं बच्चे को काटो मत, पूरा का पूरा दूसरी मां को दे दो, जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया असली मां यही है जो बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकते। राजा ने क्या किया,
नकली माँ से बच्चा छीना, असली माँ को दे दिया। मुकदमे का फैसला 2 मिनट में हो गया। ये था भारतीय न्याय। अब मैं आपको कहता हूं, इसी मुकदमे को लेकर आप आईपीसी में आ जाइए, हमारी अदालत में, सीआरपीसी में आ जाइए, इंडियन एविडेंस एक्ट में आ जाइए। मैं चैलेंज देता हूं, 50 साल मुकदमा चलेगा, दोनों माताएं बूढ़ी होके मर जाएंगी, बच्चा भी जवान होके बूढ़ा हो जाएगा, फैसला कभी नहीं आएगा। ये अंग्रेजी न्याय व्यवस्था हमको नहीं चाहिए, हमें भारतीय न्याय व्यवस्था चाहिए। और उसके लिए नए कानून, और वो नए कानून बनाने का काम हम इस देश के बुद्धिमान लोगों से करवाएं और उनको लागू कराएं, वो हम चाहते हैं। इसी तरह से हम शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं। हमारी आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, ये पूरी की पूरी मैकॉले की बनाई हुई है। उसने पाठ्यक्रम बनाया, उसी ने सिलेबस तैयार किया, उसी ने शिक्षा व्यवस्था का माध्यम तय किया। हम अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजों की शिक्षा लेते हैं। दुष्परिणाम क्या है कि जिंदगी भर पढ़ाई करने के बाद हम अपने आप से पूछते हैं कि जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या हमारे काम का है। मैं अपने आप से पूछता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जितना मैंने पढ़ा उसका 99% बेकार है, काम ही नहीं आता, 1% काम आता है। और जब 1% काम आता है तो उसके लिए इतना पैसा खराब किया, इतना समय खराब किया, इतना दिमाग खराब किया मेरा। ऐसे ऐसे विषय हमको पढ़ाए जाते हैं जो जिंदगी में काम ही नहीं आते। मैंने मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ा है, मॉडर्न एलजेब्रा पढ़ा है, उसके इतने सारे फॉर्मूले मैंने पढ़े, आज तक कभी काम नहीं आए। एक फॉर्मूला पढ़ा, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। खूब रटा, खूब पढ़ा, इम्तहानों में लिख के आया, 100 में से 99 नंबर लाया, लेकिन अब मैं अपने आप से पूछता हूं कि x प्लस वाई होल स्क्वायर का करूं क्या? मेरी जिंदगी में तो काम ही नहीं आया। अब मेरे टीचर को पूछता हूं, आपने मुझे ये क्यों पढ़ाया x प्लस वाई होल स्क्वायर, मेरे तो काम नहीं आया। टीचर कहता है, काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया तो मैंने तुमको पढ़ाया। ये भेड़िया धसान क्यों चला रहे हैं इस देश में? जो काम नहीं आता वो क्यों पढ़ा रहे हैं हमको? आप ईमानदारी से अपनी जिंदगी का एक अकाउंट लिखिए और उसमें अपने आप से पूछिए कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से कितना याद है आपको, तो आप पाएंगे कि याद वही रहता है जो काम में आता है। जो काम नहीं आता दिमाग उसको भूल जाता है, क्योंकि दिमाग कचरा पेटी नहीं है, ये जीवित वस्तु है, बहुत होशियार है, फालतू चीजों को ये रखता नहीं है, निकाल के फेंक देता है। जो चीज काम नहीं आती वो याद नहीं रहती, जो याद नहीं रहती उसको पढ़ना क्यों और पढ़ाना क्यों, फालतू में दिमाग क्यों खराब करना? मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, उत्तर नहीं है। बचपन में मुझे पढ़ाया गया अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन, क्या करूं उसका मालूम है मुझे? मुझे मालूम है कि जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का पहला राष्ट्रपति, लेकिन करूं क्या? मैं अगर सब्जी खरीदने जाता हूं और सब्जी बेचने वाले को कहता हूं, देखो मुझको मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, वो सब्जी देगा? परचून की दुकान पर जाके कुछ खरीदूं और बताऊं उसको अमेरिका का दूसरा राष्ट्रपति कौन, वो परचून देगा मुझे? क्या काम आएगा मेरी जिंदगी में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति? और अफसोस मुझे क्या है, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति मुझे मालूम, दूसरा मालूम, तीसरा मालूम, 250 मालूम है, और मेरे घर के पहले पिता का नाम पूछ ले कोई तो मुझे नहीं मालूम। मेरे पिताजी का नाम मालूम है, पिताजी के पिताजी का मालूम है, उसके ऊपर जाते ही सब ब्लैंक, याद ही नहीं है मुझे। अब मेरी तीसरी पीढ़ी के पिता का नाम नहीं मालूम, अमेरिका की 250 पीढ़ियों के राष्ट्रपति का नाम मालूम है, करूं क्या? मूर्खों का मूर्ख मैं तो, क्या करूं उसका?
मुझे इतना क्रोध आता है अपने ऊपर। मैं बचपन में पढ़ता था, मुझे कनाडा की जलवायु पढ़ाई गई, कनाडा की जलवायु क्या है। ठीक है भाई, पढ़ लिया कि कनाडा बहुत ठंडा देश है, तापमान -40 डिग्री है, फिर ठंडी हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं हैं, वगैरह वगैरह। अब क्या करूं उसका, पढ़ लिया मैंने कनाडा बहुत ठंडा देश है। अब जब तक कनाडा में जाता नहीं या कनाडा मेरे घर में आता नहीं, तब तक उसका क्या करूं। और मेरे जैसे करोड़ों बच्चों को पढ़ा दिया कनाडा का जलवायु, अब मुझे कनाडा का जलवायु मालूम है लेकिन भोपाल का जलवायु नहीं मालूम, मुझे मैक्सिको का जलवायु मालूम है लेकिन शिवपुरी का नहीं मालूम, मुझे ब्राजील का जलवायु मालूम है लेकिन मेरे जन्म जिले का अलीगढ़ का जलवायु नहीं मालूम। काम तो अलीगढ़, भोपाल और शिवपुरी का जलवायु आने वाला है और हम पढ़ रहे हैं ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया, करेंगे क्या उसका। मैं सीधी सी बात यह कहना चाहता हूं, इंटरनेशनल नॉलेज किसी काम की नहीं है जब तक लोकल नॉलेज आपको नहीं है। हमेशा लोकल नॉलेज काम में आती है, इंटरनेशनल नॉलेज किसी काम की नहीं होती। तो काय को फालतू में हमारा दिमाग खराब करते हैं ये स्कूल कॉलेज वाले, इंटरनेशनल बनाने में लगे रहते हैं। हम नेशनल तो हो नहीं पाए, इंटरनेशनल होने के लिए परेशान। ये फालतू शिक्षा व्यवस्था, इसको बदलना है और इसमें जरूरत आधारित शिक्षा हमें लेनी। मैंने एक सिलेबस बनाया, आप हैरान हो जाएंगे, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को जितना 12 साल में हम सिखाते हैं उतना 2 साल में मैं सिखा सकता हूं। पूरे सिलेबस को मैंने रीड्राफ्ट किया। क्या किया, फालतू चीजें निकाल दी सब, उसमें से कचरा पट्टी सब फेंक दिया निकाल के, जो काम का बचा वो 2 साल का है। तो 10 साल का समय बचा लिया मैंने बच्चों का, उसमें हम कुछ और सिखाएंगे उनको, कुछ कारीगरी सिखाएंगे, हाथ का काम सिखाएंगे, ताकि पढ़कर निकलने के बाद वो बेरोजगार दर बदर की ठोकर ना खाएं, कुछ ना कुछ जिंदगी चलाने का काम कर सकें। आप फिजिक्स के नहीं है तो भी समझ जाएंगे मेरी बात को, ये एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते थे करते थे लेकिन इसके रिजल्ट नहीं आते थे। तो हमारे प्रोफेसर से हम झगड़ा करते थे कि रिजल्ट तो नहीं आते, तो वो कहते थे कि यार ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये कभी सक्सेस नहीं हुआ। माइकलसन और मोरले नाम के 2 वैज्ञानिक थे फ्रांस के, जिंदगी भर एक्सपेरिमेंट किया, सफल नहीं हुए, हमेशा फेल होते रहे, तो रिजल्ट आएंगे कैसे। तो मैंने कहा पढ़ाते क्यों मुझको फिर ये। तो कैसी मूर्खता है इस देश में, हमको पढ़ाया जाता था फेलियर ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, माने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की असफलताएं क्या है ये रटो और किताब में लिख के आ जाओ, 100 में से 90 नंबर ले आओ। हम मूर्खों के मूर्ख ऐसे टाइम पास करते रहे अपने पढ़ाई के दिनों में। हमारे यहां एक्सपेरिमेंट के नाम पे क्या होता था, सीनियर की नोटबुक ले लिया, टीप टाप के सब उसको लिख दिया और ले जाके पेश कर दिया, ये होता था। ऐसी मूर्खता की पढ़ाई क्या काम की है। और जानते हैं क्या होता है, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले लड़के भी यही करते हैं इस देश में, जब वो पढ़ाई करके निकलते हैं तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में उनको पोस्ट पर नहीं लेता जब तक कि 1.5 साल उनका अप्रेंटिसशिप नहीं कराते, और वही असली पढ़ाई होती है, 4.5 साल की तो बेकार है। वो 1.5 साल की पढ़ाई अगर काम की है तो सीधे ही पढ़ाओ ना उसको, ये 4 साल 6 महीने क्यों बर्बाद कर रहे हो। हमारे MBBS MD करने वाले डॉक्टर जो इंटर्नशिप में पढ़ते हैं वही असली पढ़ाई है, बाकी तो बेकार है, वही सीधे पढ़ा दो, फालतू समय क्यों खराब कर रहे हो उनका। तो हम शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जो फालतू सिलेबस है उसको हटाना चाहते हैं, और ये जो बोझा बच्चों के दिल दिमाग पर है इसे खत्म करना है। सबसे बड़ा बोझा है परीक्षा का, हमारे सारे बच्चे परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता, और परीक्षा होते ही सब भूल जाते हैं, वो किसी काम का नहीं होता। आज मैंने पेपर दिया, इम्तिहान दिया, कल मैं भूल जाऊंगा मैंने क्या लिखा। पढ़ाई परीक्षा के लिए नहीं, ज्ञान के लिए होनी चाहिए।
परीक्षा को तो खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की परीक्षा कोई नहीं ले सकता किसी की, अध्यापक भी नहीं ले सकता, क्योंकि ज्ञान असीमित है, परीक्षा उसको सीमित कर देती है। हम चाहते हैं कि परीक्षा का तनाव ना हो, ज्ञान लिया जाए और ज्ञान दिया जाए, और उसकी चूंकि कोई सीमा नहीं है तो जिंदगी भर वो सिलसिला चलता ही रहे और आगे लोग बढ़ते ही रहे। और एक चीज हम चाहते हैं कि इस देश की पूरी शिक्षा मातृभाषा में हो, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, हम हमारी मातृभाषा में पढ़ाई करें, तभी हमारे बच्चे आगे निकलेंगे। अंग्रेजी में पढ़ाई करके हमारे बच्चे बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिमाग पर बहुत तनाव है, ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये भुगता है। हम अंग्रेजी में पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी में सोच नहीं सकते, अंग्रेजी में लिख नहीं सकते, जो भी करते हैं हम मातृभाषा में करते हैं, फिर अंग्रेजी में उसका भाषांतर करते हैं और उसमें 6 गुना ज्यादा समय हमारा खर्च होता है। आदमी सोचता है मातृभाषा में, रोता है गाता है मातृभाषा में, हंसता है गुनगुनाता है मातृभाषा में, फिर उसको विदेशी भाषा में आप कह दो तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझा वही हो जाता है। आप अपने घर में करके देखना, किसी बच्चे को हिंदी में कुछ सिखाना 1 घंटे में सीख लेगा, उसी चीज को अंग्रेजी में सिखा के देखना 6 महीने लग जाएंगे तो भी ढंग से नहीं सीख पाएगा। क्यों? विदेशी भाषा में सीखना बहुत मुश्किल होता है, मातृभाषा में सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि मातृभाषा आपके दिल और दिमाग उसके सबसे नजदीक होती है, विदेशी भाषा बहुत दूर होती है। और हम हमारे बच्चों को मारते पीटते हैं अंग्रेजी सिखाने के लिए। मैंने कोई अंग्रेज नहीं देखा जो अपने बच्चे को मारता हो हिंदी सिखाने के लिए। जब उनको आपकी हिंदी की नहीं पढ़ी तो आप उनकी अंग्रेजी की क्यों पढ़ाए हुए हैं, छोड़िए ना। आप कहेंगे जी अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, बिल्कुल नहीं है। दुनिया में 200 देशों में मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। जर्मनी में जर्मन है, फ्रांस में फ्रेंच है, हॉलैंड में डच है, आप अगर रूस में चले जाओ तो रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है। डेनमार्क जैसा छोटा सा देश है जो हमारे एक मोहल्ले के बराबर का है, वहां भी डेनिश चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती। और छोटे से डेनमार्क देश में अंग्रेजी में कोई कुछ पढ़ता नहीं, पढ़ाता नहीं। डेनिश में इंजीनियरिंग होता है, डेनिश में मेडिकल की पढ़ाई, डेनिश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई। इतना छोटा देश जो 20 लाख की आबादी का है वो अपनी मातृभाषा में पढ़ा सकता है, तो हम 115 करोड़ की आबादी के लोग क्यों नहीं मातृभाषा में पढ़ा सकते? कोई लोग कहते हैं अंग्रेजी में क्वालिटी बहुत है, और मैंने अंग्रेजी पढ़कर यह पाया कि दुनिया की सबसे रद्दी भाषा यही है, इसका कोई सिर और पैर नहीं है। हां, मैं अंग्रेजी के प्रोफेसरों से बहस करता हूं और पूछता हूं पीयूटी पुट तो बीयूटी बुट क्यों नहीं? अगर सीयूटी कट पीयूटी पट होना चाहिए, बीयूटी बट सीयूटी कट तो पीयूटी पट होना चाहिए कि नहीं, और पीयूटी पुट तो बीयूटी बुट सीयूटी कुट होना चाहिए। एक जगह यू ऊ हो गया, एक जगह यू आ हो गया, ये क्या चक्कर है भाई? यू तो यू है, कहां आ कहां ऊ, कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं। इतनी हंसी आती है मुझे अंग्रेजी पे। एक शब्द है अंग्रेजी का केमिस्ट्री, स्पेलिंग क्या है? सी एच ई एम आई एस टी आर वाई, यही है ना? तो सी एच ई माने के, केमिस्ट्री। तो अगर सी एच ई में केमिस्ट्री होता है तो सी एच ओ पी ए आर ए चोपड़ा में कोपड़ा क्यों नहीं होता, बताइए ना। और सी एच ओ पी ए आर ए में चोपड़ा होता है तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री क्यों नहीं होता? कहां सी एच का हो
आया का, जहां दिल में आया चा। कुछ ऐसे विचार प्रोनंसिएशन क्या है, सन, एस ओ एन, प्रोनंसिएशन क्या है सन। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एस ओ एन सोन होना चाहिए, एस यू एन अगर सुन होना चाहिए, एस यू एन सन है तो हर जगह यू आएगा तो आ का ही उच्चारण होना चाहिए, फिर सु वाला उच्चारण कहां से आ गया यू का, और ओ हर जगह ओ है तो फिर आ वाला कहां से आ गया, एस ओ एन में सन कैसे हो गया, सोन होना चाहिए। कुछ पता ही नहीं है, भेड़िया धसान है अंग्रेजी, अंग्रेजी का इतिहास पढ़ा तो पता चला पांचवी शताब्दी में तो जन्म हुआ इस भाषा का, मुश्किल से 1500 साल पुरानी है, उसके पहले तो अंग्रेजी थी ही नहीं दुनिया में। अब अगर हम हिंदी से इसकी तुलना करने लगे तो हिंदी तो हजारों साल पुरानी है, और संस्कृत से तुलना करें वो तो करोड़ों साल पुरानी है, और अंग्रेजी बहुत गरीब भाषा है। गरीबी पता है इनकी क्या है, इनके पास अपने शब्द ही नहीं है, लैटिन में से ले लिए, फ्रेंच से ले लिए, जर्मन से ले लिए, इटालियन से ले लिए, यहां से ले लिए, और खिचड़ी बना के तैयार कर दी, अपने शब्द हैं। और शब्द इतने कम हैं अंग्रेजी में, चाचा हो, मामा हो, मौसा हो, फूफा हो, मामा का मामा, मौसा का मौसा, फूफा का फूफा, एक ही शब्द है अंकल। चाची हो, मामी हो, मौसी हो, ताई हो, बुआ हो, फूफी हो, फूफी की फूफी हो, एक ही शब्द है आंटी। कितने गरीब है, हमारे पास तो हर एक रिश्ते के लिए एक शब्द है, चाचा चाचा है, मामा मामा है, मौसा मौसा है, फूफा फूफा है, यहां तो अंकल में पता ही नहीं चलता कि वो चाचा है कि मामा है कि मौसा है, बोलते रहते हैं अंकल आंटी आंटी। और कुछ तो अंग्रेजी के शब्द इतने विचित्र हैं जिनके अर्थ आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने बोलना तो ऐसे ही शुरू कर दिया बिना अर्थ के। हम अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द बोलते हैं, इस देश में अंग्रेजी कम पढ़े लिखे लोग, हिंदी भी कम पढ़े लिखे लोग, बीच के लोग हैं, ना अंग्रेज हो पाए ना हिंदुस्तानी रह पाए, बीच के हो गए, तो घासलेट हैं वो सब। अब उनकी घासलेट क्या है वो दिखाता हूँ आप। किसी के घर में जाता हूँ, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं पूछता हूं कि रामदयाल स्वदेशी, गायत्री देवी स्वदेशी, ये टिंकू विदेशी कहां से आ गया? और नाम रख लिया बेटे का टिंकू, फिर पूछता हूं अर्थ मालूम है टिंकू का? मालूम ही नहीं, क्यों रख लिया नाम, रख लिया ऐसे। टिंकू का अर्थ है वेबस्टर डिक्शनरी में आवारा लड़का, वो टिंकू है। और यहां हमने क्या किया, अच्छा खासा अपना आज्ञाकारी बेटा, उसको टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा बना देंगे। ऐसे ही नाम रख लेते हैं घर में बेटियों के, डिंपल, ट्विंकल, लवली, डबली, बबली, डबलू, बबलू, क्या मतलब पता ही नहीं चल रहा है, भेड़िया दशा। कुछ कुछ घरों में ऐसी विचित्र स्थिति होती है, मुझे बहुत हंसी आती है, लेकिन बेचारे अंग्रेजी वाले लोग क्या करें। किसी के घर में जाता हूं तो वो कहते हैं, ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसिज। तो मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसिज? क्योंकि उनको मिसेज का अर्थ नहीं मालूम, बस बोल रहे हैं मिसेज मिसेज मिसेज, अर्थ नहीं मालूम। मिसेज का अर्थ जानते हैं क्या है? मैं पहले आपको इंग्लैंड की एक सभ्यता का नमूना बताता हूं। अंग्रेजों की सभ्यता में बहुत सारी कमियां हैं, उनकी संस्कृति बहुत निकृष्ट दर्जे की है। गांधी जी तो कहा करते थे कि अंग्रेजों की कोई संस्कृति है ये हास्यास्पद बात है, संस्कृति है ही नहीं, जो है वो विकृति ही विकृति है। हाँ, अब उनकी संस्कृति का एक हिस्सा सुनाता हूं। अंग्रेजों की संस्कृति ऐसी है कि कोई भी पुरुष एक स्त्री से कभी भी संतुष्ट नहीं होता, और कोई भी स्त्री एक पुरुष से संतुष्ट नहीं होती।
तो हर पुरुष अपनी जिंदगी में 20-20 स्त्रियों से, 25-25 स्त्रियों से संबंध रखता है। अब 20-25 स्त्रियों से संबंध रखता है, उसमें एक तो बीबी होती है, बाकी सब मिसेज होती हैं। मिसेज का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर हर वो स्त्री जिसके साथ बिस्तर में रात बिता सके, वो सब मिसेज होती है। और हम हमारी श्रीमती को मिसेज बनाने में लगे हुए हैं। मूर्खों के मूर्ख पता नहीं कहां से पैदा हो गए इस तरह। और मिस्टर कौन होता है? पति को छोड़कर कोई भी पुरुष मिस्टर होता है जिसके साथ बिस्तर में रात बिताएं, और यहां धर्म पति को मिस्टर बनाने में लगे हुए। कितना सुंदर शब्द है श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि, लक्ष्मी बुद्धि माने लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ जहां हो वो श्रीमती। अब ये मिसेज नहीं है, वो श्रीमती कुछ गहरी चीज है। कुछ तो हिंदुस्तानी ऐसे हैं वो एक शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैडम, खूब इस्तेमाल होता मैडम। अपनी धर्मपत्नी को भी मैडम कह के बुलाते हैं, मैडम मैडम मैडम। और हमारी माताएं बहनें भी बुलवाती हैं, मैडम बोलो मैडम बोलो मैडम बोलो। भूत सवार है अंग्रेजियत का ये मैडम शब्द। मुझे पहली बार पता चला जब मैंने अंग्रेजों की प्राइवेट हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला मैडम कौन होता है। इंग्लैंड में, यूरोप में वैश्यावृत्ति का धंधा सबसे पुराना है। वैश्याएं होती है ना, उनकी जो मुख्य संचालिका होती है वो मैडम होती है। वैश्यावृत्ति के धंधे की मुख्य संचालिका मैडम कहलाती है। और यहां हम अपनी बहन को मैडम कह दें, पत्नी को मैडम कह दें, हमारा कोई और छोरी नहीं है, किसी को भी मैडम बोल देते। मत बोलिए, ये कोई अच्छे शब्द नहीं। हमारे पास शब्दों की कोई कमी नहीं है। बहन बोलिए, भाई बोलिए, ताई बोलिए, ताऊ बोलिए, चाचा बोलिए, चाची बोलिए, मामा बोलिए, मामी बोलिए, फूफी बोलिए, फूफा बोलिए। कुछ कमी है क्या? बड़ा विचित्र है, इंग्लैंड में एक शब्द है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। क्यों है ये इन लॉ? इन लॉ ब्रदर इन लॉ माने कानून से भाई, फादर इन लॉ माने कानून से पिता। आपको मालूम है ये चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि इंग्लैंड में, यूरोप में जो शादी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं? समझौता, आत्मा का मिलन नहीं है, वो समझौता है। और हर समझौता किसी कानून से संचालित होता है, इसलिए फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये इन लॉ का चक्कर वो कानून का है। हमारे यहां शादी समझौता नहीं है, आत्मा का मिलन है। हमारे यहां कहते हैं कि पति और पत्नी दो शरीर एक प्राण होते हैं, आत्मा दोनों की एक हो जाती है। हमारे यहां इतनी गहरी चीज है विवाह, उनके यहां तो समझौता है। आज सवेरे हुआ, शाम को टूट गया, फिर कल हो जाएगा, फिर टूट जाएगा। यूरोप में मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने 20-20 शादियां की हैं और 21 भी करने को तैयार है। हाँ, और शादी कैसे टूटती है मैं आपको एक लिटरली उदाहरण देता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं बता सकता लेकिन अंदाजा हाथ लगा, उसकी अभी शादी हुई है 21वीं, 20 टूट चुकी है। अब मैं एक बार उसको पूछा, भैया तुम्हारी पहली शादी क्यों टूट गई? उसने कहा, यार मेरी बीवी जो थी मेरा टूथब्रश इस्तेमाल कर लिया, मैंने उसको तलाक दे दिया। आप सोचो, पत्नी ने टूथब्रश ले लिया, टूट गई शादी। फिर दूसरी क्यों टूटी? उसने कहा, मेरी दूसरी बीवी को बिल्ली पसंद थी, मुझे कुत्ता पसंद है, हमारी शादी टूट गई। फिर तीसरी कैसे टूटी? उसने कहा, तीसरी बीवी को वो सेंट पसंद नहीं आता था जो मुझे पसंद आता है, शादी टूट गई। फिर चौथी कैसे टूटी? पांचवी। ऐसे ही साधारण बातों पर शादियां टूट जाती हैं। वहां सब कुछ समझौता है, थोथलापन है, गहराई कुछ नहीं है। उनकी नकल आप क्यों कर रहे हैं? इंग्लैंड में एक मजाक किया जाता है लेकिन वो सच्चा है। लंदन में पता है बोलते हैं, तीन डब्लू हैं, डब्लू डब्लू डब्लू, जिनका कोई भरोसा नहीं।
एक डब्ल्यू है वेदर, मौसम, जिसका कोई भरोसा नहीं। अभी बारिश होगी, अभी धूप निकलेगी, अभी ठंडी हवा चलेगी, बर्फ गिरेगी, मौसम का कोई भरोसा नहीं। दूसरा डब्ल्यू है वाइफ, जिसका कुछ भरोसा नहीं, सवेरे आपकी है, शाम को किसी और की है। तीसरा डब्ल्यू है वर्क, जिसका कोई भरोसा नहीं, काम आज है कल आपको निकाल देंगे, पिंक स्लिप दे देंगे, भगा देंगे आपको। तो डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये तीनों का भरोसा नहीं। भारत में बिल्कुल उल्टा है। पहला डब्ल्यू वेदर, एकदम पक्का है इस देश, बारिश है तो बारिश होगी, सर्दी है तो सर्दी होगी, गर्मी है तो गर्मी होगी, शरद है तो शरद होगा, मौसम एकदम पक्का है। दूसरा डब्ल्यू वाइफ, और भी पक्का है, यहां की पत्नी तो सात सात जन्म तक पक्की है, दुनिया में कहीं नहीं है किसी देश में। और तीसरा डब्ल्यू वर्क भी पक्का है। तो हमारी सभ्यता बिल्कुल अलग है अंग्रेजों से, उनकी नकल हम क्यों करें, उनकी फालतू भाषा, रद्दी भाषा का इस्तेमाल क्यों करें, जब अपने पास अपनी भाषा है। तो मेरा कहना है, ये अंग्रेजी में से बाहर आई है, इसमें कुछ रखा नहीं है। आप बोलेंगे जी अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, दुनिया में व्यापार कैसे होगा, जापान वाले कैसे व्यापार कर रहे हैं पूरी दुनिया में जापानी सीखकर, चीनी लोग कैसे व्यापार कर रहे हैं चाइनीज सीखकर, रशियन लोग कैसे व्यापार कर रहे हैं रशियन सीखकर, फ्रेंच लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो सब कर सकते हैं मातृभाषाओं को सीख के, तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर आप बोलेंगे अंग्रेजी की कुछ जरूरत है क्या? नहीं है। अंग्रेजी की जरूरत फिर थोड़े से हिंदुस्तानियों को पड़ेगी जो इंग्लैंड जाएंगे, तो जब जाएंगे तो वीजा के समय उनको महीने दो महीने सिखा देंगे, चले जाएंगे, काम चला के वापस आ जाएंगे, कौन सा उनको एक्सपर्ट बनाना है। ये बच्चों को पहली कक्षा से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे? ये सब तो इंग्लैंड जाने वाले नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड इनको आने भी नहीं देगा अपने यहां, क्योंकि उनके यहां इतनी जगह नहीं है, वीजा के कानून इतने कड़क कर दिए हैं कि अब जल्दी घुसना इंग्लैंड में संभव नहीं है। क्यों सबको मार मार के अंग्रेजी सिखा रहे? और ऐसी हास्यास्पद स्थिति होती है कभी, तो मैं किसी के घर में चला जाता हूं, अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे, उनके माता पिता कहते हैं देखो बेटा अंकल आए हैं जरा पोएम सुनो, तो मैं उनसे कहता हूं आपका बच्चा कविता सुनाए तो अच्छा, ये पोएम क्या होती है मेरे समझ में नहीं आती, कविता तो मैं समझता हूं। फिर भी वो बच्चा चालू हो जाता है, टेप रिकॉर्डर ऑन हो गया उसका बच्चे का, क्योंकि रटी हुई कविता है, समझी तो है नहीं, समझ सकता नहीं क्योंकि विदेशी भाषा में, रट ली। अब कविता सुनाता है पोएम, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। अब मैं बच्चे से पूछता हूं तुमको अर्थ मालूम है इसका? नहीं मालूम। किसने सिखाया? मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछो अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। किसने सिखाया? टीचर ने सिखाया। टीचर को पूछो अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। उसकी टीचर ने सिखाया। ये चल रहा है भेड़िया धसा। फिर उस बच्चे को मैं उसका अर्थ समझाता हूं, मैं उसको कहता हूं इसका अर्थ है बारिश बारिश तुम चली जाओ, रेन रेन गो अवे, बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ, मुझे खेलना है। अब बच्चा ये कविता गा रहा है बारिश बारिश चली जाओ, और करोड़ों बच्चे ये कविता गा रहे हैं बारिश बारिश चली जाओ, भगवान ने ये कविता सुन ली तो बारिश को वापस बुला लेगा भगवान, फिर यहां सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, आप भूखे मरेंगे, मैं भूखा मरूंगा, ऐसी है विदेशी कविता। हम भारतवासी हैं, हमको बारिश चाहिए, क्योंकि भारत की 60% खेती बारिश पर जिंदा है, इसलिए हमको तो बारिश चाहिए। तो भारत की कविता जो होगी वो कैसी होगी? एक मराठी कविता सुनाता हूं बारिश की आपको। मराठी में एक कविता है, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाउसाला मोटा, ये रे माने आओ आओ, पाउसा माने बारिश। तो बच्चा बारिश को बुला रहा है, तुम जल्दी जल्दी आओ, नहीं आओ तो मैं पैसा देने को तैयार हूं, तुम आ जाओ क्योंकि हमको बारिश की जरूरत है। कविताएं अपनी सभ्यता की जरूरत में से पैदा होती हैं, और वही बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि वो सभ्यता का प्राण होती हैं, संस्कृति की आत्मा होती है। अब बच्चा ये रे पाउसा सीखेगा,
तो भारतीयता की तरफ चला जाएगा, रेन रेन गो अवे सीखेगा, अंग्रेजियत की तरफ चला जाएगा। आप तय करो क्या करना है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ईमानदारी के साथ मातृभाषा सिखाएं, समझाएं, उसी में उनको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें। वो मातृभाषा में जितने पक्के होंगे, दुनिया की कोई भी भाषा वो सीख लेंगे। हमारे हिंदुस्तान के बारे में अगर आप देखना चाहें तो देखिए, जितने महान वैज्ञानिक इस देश में हुए, सबने मातृभाषा में पढ़ाई की, इसलिए वैज्ञानिक हुए। ताजा उदाहरण देता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सबसे उच्च कोटि के वैज्ञानिक, उनकी 12वीं तक की पढ़ाई तमिल भाषा में हुई है, आपको मालूम। और जब उनको कहा गया कि आप इतने ऊंचे वैज्ञानिक कैसे बने, तो उन्होंने कहा 12वीं तक तमिल में पढ़ा, इसलिए इतना ऊंचा बन पाया। इस देश के एक और महान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, जिन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाकर इस देश को दिया। डॉक्टर विजय भटकर की 12वीं तक की पढ़ाई मराठी में हुई है, और वो कहते हैं कि मैं इतना ऊंचा संशोधन कर सका क्योंकि मराठी में सोचता हूं, इसलिए। प्रोफेसर एमजी के मेनन, उनकी पढ़ाई मलयालम में हुई है। प्रोफेसर स्वामीनाथन, उनकी पढ़ाई तमिल में हुई है। ये जितने उच्च कोटि के वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर सेठना, डॉक्टर भावा, जिन्होंने पहला परमाणु बम का इस देश में परीक्षण कराया, ये सब वैज्ञानिक मातृभाषा में से निकले हुए हैं। और मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, कॉन्वेंट से निकला हुआ एक भी विद्यार्थी इस देश के उच्चतम वैज्ञानिक पद पर आज तक नहीं पहुंचा। कॉन्वेंट में से जो पढ़कर निकले हैं ना, वो साइंटिस्ट नहीं बने, साइंटिफिक मैनेजर हो गए। साइंटिस्ट होना अलग है, साइंटिफिक मैनेजर होना बिल्कुल अलग काम। साइंटिफिक मैनेजर माने क्लर्क, क्लेरिकल काम वो ही कर पाते हैं, क्योंकि जो मातृभाषा में चिंतन नहीं कर सकते, वो मूल आविष्कार नहीं कर सकते, और जो मूल आविष्कार नहीं कर सकते वो वैज्ञानिक नहीं हो सकते। इसलिए मातृभाषा में पढ़ाइए, मातृभाषा में सिखाइए, और बन पड़े उतना अपने बच्चों को ये कॉन्वेंट स्कूलों में मत पढ़ाइए। आप बोलेंगे जी इसमें क्या बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, इंग्लैंड में कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, हमारे यहां नहीं। ये तो मैकॉले ने कॉन्वेंट स्कूल खोल दिया इस देश में, इसलिए शुरू हो गए, वरना कॉन्वेंट इस देश में होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कॉन्वेंट शब्द का अर्थ क्या है, CONVENT, कॉन्वेंट का माने है लावारिस बच्चों का स्कूल, जिन बच्चों के जिंदगी में मां बाप नहीं होते उनको पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। और इंग्लैंड में पता है क्या है, यूरोप में क्या है, बहुत सारे बच्चे बिना शादी के पैदा हो जाते हैं, मालूम है आपको। इंग्लैंड में 60% लड़कियां अपनी उम्र के 12 से 18 साल में मां बन जाती हैं, 60% बिना शादी के। अब बिना शादी के मां बन गए, बच्चे पैदा हो गए, वो कहां रहेंगे, उनको रखने के लिए कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। और चूंकि कॉन्वेंट स्कूलों के मां बाप बच्चों के है नहीं, पता ही नहीं उनको, तो इसलिए उन स्कूलों में जो पढ़ाने वाले होते हैं ना, उनको मदर फादर कहते हैं, क्योंकि असली तो है नहीं, तो नकली से ही काम चला लो। आपको मालूम है कॉन्वेंट में टीचर नहीं फादर है, टीचर नहीं मदर है, टीचर नहीं सिस्टर है, टीचर नहीं ब्रदर है, क्योंकि असली नहीं है, इसलिए नकली से काम चलाते। और हम अपने बच्चों को जब कॉन्वेंट में भेजते हैं, सवा सत्यानाश होता है उनका, क्योंकि अपने तो मदर भी है फादर भी है, तो घर में तो असली है और वहां नकली है। और आपको एक अंग्रेजी शब्द बताता हूं, हमारे भारत में किसी बच्चे की दो माताएं हो सकती हैं, दो बाप नहीं होते कभी, ये भारत की परंपरा है। श्री कृष्ण की दो माताएं थी, बाप एक ही थे। राम की तीन माताएं थी, बाप एक ही थे। इस देश के सारे महान पुरुषों की कहानी देखो, माताएं दो होती हैं। पन्ना धाई थी, एक असली मां थी, बाप एक ही थे। तो भारत में पिता तो एक ही होता है, लेकिन जो कॉन्वेंट में पढ़ने जाते हैं बच्चे, उनके दो दो बाप होते हैं।
एक तो घर में है और एक स्कूल में है फादर। और अंग्रेजी का ही एक शब्द है कि जिस बच्चे के दो बाप होते हैं उसी को बास्टर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। एक गाली है ना बास्टर्ड, वो दो बाप वाले बच्चों को दी जाती है। तो क्यों अपने बच्चों को बास्टर्ड बना रहे हैं कॉन्वेंट में भेज भेज? आप बोलेंगे कहां भेजें, कोई कमी पड़ गई है स्कूलों की? बहुत स्कूल हैं इस देश में, मातृभाषा के स्कूल हैं, राष्ट्रभाषा के स्कूल हैं, वहां पढ़ने को भेजिए अपने बच्चों को। और याद रखिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़कर वैज्ञानिक बने, ध्यान रखिएगा इस बात को। उनका जो गांव है ना रामेश्वरम में, वो दिखाते हैं बताते हैं कि मैं तो म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ाऊं, कॉन्वेंट में नहीं पढ़े। प्रोफेसर एम जी के मेनन म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़े, डॉक्टर विजय भटकर म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़े और इतने ऊंचे वैज्ञानिक हो गए। तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। प्रतिभा, लगन और संकल्प चाहिए, फैसिलिटीज ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसलिए घबराइए मत, बच्चे अच्छे निकलेंगे। उनकी मातृभाषा पक्की कर दीजिए, संकल्प अच्छा बना दीजिए, काम करने के उद्देश्य उनके सामने स्पष्ट कर दीजिए, बहुत बड़े आदमी बन जाएं। इसलिए मातृभाषा में शिक्षण, मातृभाषा का अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप अपने जीवन में करिए। और हमारा एक और निवेदन है भारतवासियों से, वो ये कि मातृभाषा का उपयोग करें और अपनी भूषा का भी उपयोग करें। हम अंग्रेजों की भूषा में फंसे हुए हैं, कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं और कोट पर कोट पहनते हैं, जैकेट पर कोट पहनते हैं। इतने गर्म देश में इतने कोट लादने की जरूरत क्या है? इंग्लैंड में ठंड पड़ती है, 40 डिग्री जीरो के नीचे तापमान चला जाता है तो कोट पे कोट पहनना पड़ता है। यहां तो 40 डिग्री हमेशा जीरो के ऊपर तापमान जाता है, भयंकर गर्मी है, यहां कोट क्यों पहनते हैं? जरूरत क्या है? मैंने तो कई बार देखा जून की गर्मी में, अक्सर मैं ये दृश्य देखता हूं, शादी करने के लिए दूल्हे राजा जा रहे हैं, थ्री पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हुए हैं, पसीना 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 पसीना, मूर्खों का मूर्ख, कोट उतार के नहीं फेंकेगा और टाई और लगा ली, गर्दन इधर से उधर मोड़ नहीं सकता, एकदम टाइट करके बैठा हुआ। क्या करने जा रहा है? शादी करने जा रहा है। इसी दिन मूर्ख बनने की जरूरत है क्या, शादी वाले दिन? और ऐसे मूर्ख हैं कि बारात में आगे ढम 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 ब्रास बैंड और बजवाते हैं। आपको मालूम है इंग्लैंड में ये ब्रास बैंड कब बजाया जाता है? जब सेना हमला करने के लिए जाती है दुश्मन पर, तब ब्रास बैंड बजाते हुए सेना आगे बढ़ती है। यहां शादी करने जा रहा है कि हमला करने जा रहा है, ब्रास बैंड बजा रहा है। और इतनी रद्दी धुन और इतना कान फोड़ू संगीत, किसी को मजा नहीं आता, फिर भी ढम 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 सुनना ही पड़ता है क्योंकि मूर्खों के मूर्ख उसी दिन बनना पड़ता है। दूल्हे राजा को मैं कहता हूं, भाई तुमने थ्री पी सूट और टाई पहना है तो तुम्हारी पत्नी को स्कर्ट पहनाओ, तब तो मजा आएगा। तुम अंग्रेज हो गए और पत्नी हिंदुस्तानी, कैसे चलेगी गाड़ी? हम कहते हैं ना गृहस्थी के दो पहिए हैं, पति पत्नी, एक पहिया साइकिल का दूसरा ट्रैक्टर का, कैसे चलेगा ये? दोनों एक जैसे हो जाओ ना, पत्नी को स्कर्ट पहनाओ, तुम थ्री पीस सूट पहनो और पत्नी को साड़ी पहना रहे हो तो तुम कुर्ता धोती पहनो, तुम क्यों विदेशी हो रहे हो? ऐसी मूर्खता हमने, मुझे तो और भी अफसोस होता है इस देश में, माफ करेंगे ये बात कहने के लिए, वकीलों का एक वर्ग है काला कोट पहन के भयंकर जून की गर्मी में अदालत में बहस करते हैं और पसीना पसीना हो जाते, कोट पूरा भीग जाता है और उसका कॉलर सफेद सफेद हो जाता है पसीने से, कोट उतार के फेंको तो 10 मीटर दूर उसकी बदबू जाती है, लेकिन काला कोट इनका आज तक नहीं उतरा इस देश में से। अंग्रेजों के जमाने में यह काला कोट पहना जाता था, अब क्यों पहन रहे हो? अब तो बदल दो इसको। हमने हमारा दिमाग बंद कर रखा है, हम चाहते हैं इसको खोलिए, तर्क करिए अपने आप से कि क्यों हम ये कर रहे हैं। काला रंग गर्म देश में अच्छा नहीं होता,
क्योंकि ऊष्मा का अवशोषक है और अंदर से गर्मी को निकलने नहीं देगा, मर जाएंगे आप तो उस रंग में। हमारे लिए तो सफेद रंग हल्के कलर अच्छे होते हैं, जहां ठंड बहुत होती है उनको काले रंग ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारा चिंतन मनन थोड़ा शुरू करें, तर्क करना शुरू करें, विचार करना शुरू करें, ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसकी हमें जरूरत क्या है। अगर इतना भी हमने शुरू किया तो बहुत बड़ा काम इस देश में हो सकता है। हम यही करना चाहते हैं, भारत स्वाभिमान की मदद से इस देश को स्वदेशी बनाना चाहते हैं। इस देश की भाषा स्वदेशी हो, भूषा स्वदेशी हो, भोजन स्वदेशी हो, भेषज स्वदेशी हो, चिकित्सा स्वदेशी हो, न्याय व्यवस्था स्वदेशी हो, कानून व्यवस्था स्वदेशी हो, सब कुछ स्वदेशी हो, ऐसा भारत बनाने के लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया है। आप बोलेंगे हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं, आप हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। पहली मदद ये कर सकते हैं कि भारत स्वाभिमान में हमें 5 करोड़ सदस्य बनाने हैं और तब हमारे दबाव से नेताओं को काम करवाना है। तो ये 5 करोड़ सदस्यों में से आप भी हो सकते हैं, माने आप हमारे भारत स्वाभिमान के सदस्य बने, ये आपसे विनम्र अपेक्षा है। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म बनाया हुआ है वो आप ले लीजिए, भोपाल में हमारी संयोजन समिति है, संचालन समिति है, उनसे फॉर्म ले लीजिए, भर के हमको दे दीजिए। एक सदस्य है वो साधारण सदस्य है, उसकी फीस है 51 रुपए। एक है जो विशेष सदस्य है, उसकी फीस है 1100 रुपए। आपकी जैसी क्षमता है आप वैसे सदस्य बनिए। जो 1100 के सदस्य बनेंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए हरिद्वार बुलाया जाएगा और स्वामी जी खुद ट्रेनिंग देंगे। जो 51 वाले बनेंगे उनको यहीं पर ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। तो आपको हम ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर इस देश के युद्ध के लिए तैयार करना चाहते हैं, जो आने वाले समय में हमको लड़ना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अंग्रेजियत की व्यवस्था के खिलाफ, अंग्रेजों के कानून के खिलाफ, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी अर्थव्यवस्था, ये सारा हम युद्ध जैसा मानते हैं। और हम मानते हैं कि एक युद्ध हमारे शहीदों ने लड़ा था आजादी लाने के लिए, अब एक युद्ध हमें लड़ना है स्वतंत्रता लाने के लिए, आजादी को पूर्ण बनाने के लिए, स्वराज्य की स्थापना करने के लिए। इसमें आप हमारा सहयोग करिए। आप अगर सहयोग करेंगे तो ये काम हम जल्दी कर पाएंगे, आप सहयोग नहीं करेंगे तो भी हम ये काम तो करेंगे, बस इतना ही है, थोड़ा देर में होगा। आपका सहयोग मिलेगा, जल्दी होगा नहीं मिलेगा, होगा तो सही, देर में होगा, लेकिन फिर आप पछताएंगे और अफसोस करेंगे कि काश हमने भी भारत स्वाभिमान को सहयोग दिया होता तो आपका नाम भी इस देश के भविष्य की पीढ़ी में ऐसे ही दर्ज होता जैसे भगत सिंह, उधम सिंह का दर्ज है इतिहास में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम तो ये मानते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, करने वाला ईश्वर है, करवाने वाला ईश्वर है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो हम तो निमित्त हैं, आप भी निमित्त बन जाइए, और अगर आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे तो आपको गर्व होगा ये कहने में कि जब देश की व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन हुआ तो हम भी उसमें सहयोगी थे। और आपके बच्चे छाती चौड़ी करके कहेंगे मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता भी उसमें शामिल थे। जैसे आज लोग कहते हैं नहीं, 1942 की लड़ाई में मेरे दादाजी ने भाग लिया था, गर्व की अनुभूति होती है, ऐसी ही अनुभूति आपके बच्चों को हो, इसके लिए आप भारत स्वाभिमान में जुड़ जाइए, सदस्य बन जाइए, फॉर्म भर दीजिए, आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं। और दूसरा निवेदन है कि हम जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं उनमें आप थोड़ा सहयोग दीजिए। हमारा उद्देश्य है भाषा हमारी स्वदेशी हो तो अपने जीवन से शुरुआत करिए, भूषा आपकी स्वदेशी हो अपने जीवन से शुरू करिए, भोजन आपका स्वदेशी हो अपने जीवन से शुरू करिए, दवाएं आपकी स्वदेशी हो, आयुर्वेद में इलाज करें, योग और प्राणायाम से अपनी बीमारियों का इलाज करें, और मैं तो कहूंगा कि बीमारी ना पड़े, नियमित रूप से प्राणायाम करेंगे बीमारी नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे तो सुखी रहेंगे, और आप सुखी रहेंगे तो दूसरों को सुख दे सकेंगे। दुखी आदमी किसी को सुख नहीं दे सकता और सुखी आदमी सबको सुख दे सकता है। तो आप प्राणायाम करें निरोगी बने, योग करें निरोगी बने, आयुर्वेद की दवाओं का इस्तेमाल करें निरोगी बने, ये हमारी भावना है। और आप जीवन में हमेशा कोई भी वस्तु खरीदें
तो वो देखें कि वो स्वदेशी है कि विदेशी। अगर विदेशी है तो उसको ना खरीदें, स्वदेशी है तो जरूर खरीदें, क्योंकि हर विदेशी वस्तु खरीदने से भारत का पैसा विदेश में जाता है। इस समय भारत में 5000 विदेशी कंपनियां हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बुल, रैकेट एंड कोलमैन, यूनिलीवर, इन कंपनियों के सामान अगर हम खरीदें तो 2,32,000 करोड़ रुपए विदेशों में जाता है। ये पैसा हमें रोकना है, ये बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए हमें प्रयास करना है और स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करना है। आप पूछेंगे पता कैसे चलेगा कौन सी वस्तु स्वदेशी कौन सी विदेशी, तो हम लोगों ने एक पुस्तक बनाई है, परम पूजनीय स्वामी जी ने लिखी है, उसका नाम है जीवन दर्शन। वो पुस्तक हमारे किसी भी केंद्र से मिलेगी, उसमें पीछे के पन्ने खोलिए, 115 नंबर पेज पर उसमें सूची है क्या वस्तुएं विदेशी और क्या वस्तुएं स्वदेशी, ये पुस्तक है। इसमें पीछे के पेज में 115 नंबर पर यह सूची है, एक तरफ लिखा है विदेशी वस्तुएं, एक तरफ है स्वदेशी वस्तुएं। इसको ध्यान से पढ़कर आप बाजार जाइए और जो स्वदेशी वस्तुएं हैं वही खरीद कर लाइए, ताकि देश का लाखों करोड़ों बच सके। ये विनम्र अपेक्षा हमारी आपसे है, तो आप अगर इस अपेक्षा में हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, और ये बात दूसरों को बताएंगे तो और भी आभारी रहेंगे। आपको जितनी बातें मैंने कही हैं, ये बातें बार बार अगर दूसरों को आप बताएंगे तो बहुत अच्छा है। इन बातों को बार बार बताना हो तो सुनना, सुनने के लिए हमने कुछ CD बनाई है, MP3 फॉर्मेट में CD है। आप बाहर निकलेंगे तो गेट पर एक कार्यकर्ता बैठा है, उसके पास कुछ CD है, आप ले जाइए। किसी भी CD पर हमारा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। आप इन CD की सैकड़ों कॉपी बनाइए, हजारों कॉपी बनाइए, बांटिए घर घर में और लोगों को सुनने के लिए दीजिए। वो सब इन विचारों को सुनेंगे तो जल्दी से जल्दी क्रांति हर घर में होगी। मेरा मानना है ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होता। मैंने कहीं से ज्ञान लिया, आपको दिया, आपने मुझसे ज्ञान लिया, किसी और को दिया। इस ज्ञान को जितना हम फैलाते जाएंगे इस देश में, उतनी ही जल्दी भारत स्वाभिमान का काम पूरा होता जाएगा। यही अपेक्षा लेकर मैं आपके बीच में आया। अगर आप इसको पूरा करेंगे मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, दूसरों को इस अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे और भी आभारी रहूंगा। अपने जीवन में एक सूत्र अपनाइए कि आप भारतीय हैं तो भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करिए, बी इंडियन बाय इंडियन। ऐसा जीवन में संकल्प लेकर आप आगे बढ़िए, भगवान आपकी मदद करे, ईश्वर आपको शक्ति दे, हम सब मिलकर इस देश की अधूरी आजादी को पूरा करें और संपूर्ण स्वराज्य की स्थापना करें। ऐसी भावना के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।